गुड आफ्टरनून टू ऑल। अन अकेडमी पे मैं शाजिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी कैसे हैं? हाँ जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या दिखा रहा था टाइम क्लास का? हाँ जी, क्लास का टाइमिंग क्या दिखा रहा था? हाँ, मैं भी ठीक हूँ सुरुचि, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज आप लोगों की क्या है, मैराथन क्लासेस हैं। और मैराथन क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो टॉपिक होगा, एक सेकेंड, जैसा मैंने मैराथन में आप लोगों को बताया था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली कौन सा टॉपिक होगा, वो है हमारा टाइम। क्या है, क्यों दिखा रहा है, क्या टाइम दिखा रहा है? 2 बजे का टाइमिंग सेट होगा तो 2 बजे ही दिखा रहा होगा। नहीं, मैराथन क्लास है, देखिए 2 बजे अगर ये स्टार्ट हो गया है ना, कोई भी क्लास अगर स्ट्रीमिंग, जैसे 2 बजे मैंने बताया था कल आप लोगों को, अगर ये 2 बजे स्ट्रीमिंग हो गया है, इट मीन्स टाइमिंग यही सेट था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टाइमिंग यही सेट था। हाँ, चलिए जी, और सभी का स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों को जैसा मालूम है, आज मैं मैराथन क्लास लेने वाली हूँ आप लोगों का। इस एक क्लास में आप लोगों को कंप्लीट गवर्नर जनरल और वायसराय की जितनी जानकारी है वो सारी हो जाएगी। अलग से फिर आपको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, ना उसमें कोई बहुत समस्या आएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे अगर दिखा रहा था तो आई डोंट नो, जबकि उसमें तो मैंने 2 बजे सेट किया था। अगर 3 बजे दिखा भी रहा होगा ना सुमित, इसमें एक बात मैं और बता देती हूँ, अगर 3 बजे दिखा भी रहा होगा तो 2 बजे ये फिर शेड्यूल नहीं हो पाता, या 2 बजे ये क्लास नहीं चल पाती। ठीक है ना, तो दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने कल आप लोगों को अनाउंसमेंट कर ही दिया था। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को अनाउंसमेंट कर ही दिया था। चलिए जी, आते हैं हम लोग यहाँ पर। थोड़ा सा क्या है, आप सभी लोग आज की क्लास में जुड़े और प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज वैसे भी क्या है, आप लोगों का आज मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास में मुझे ऐसा, मैं ये पिछले बार जब मैंने लास्ट मेरा मैराथन क्लास लिया था तो उस टाइम पर बहुत इंट्रैक्शन सबसे नहीं हो पाया था मेरा। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जिज्ञासा है, ओके। मैंने चूंकि मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी आप सभी को कि मैं 2 बजे क्लास लूंगी, सो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। टाइम से कोई मतलब नहीं है, होता क्या है कि डेली क्लास मेरी 3 बजे लगती है ना, तो वो तो शेड्यूल तो दिखाएगा ही उस तरीके से। बट जब मैं अनाउंस कर चुकी हूँ कि मेरी क्लास 2 बजे आएगी, तो सो यू ऑल हैव टू रेडी फॉर दैट कि 2 बजे मेरी क्लास होनी है। और फटाफट, हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, एक काम आप लोगों को ज़रूर करना है, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज बिल्कुल क्या कहते हैं, रेडी रहिए आप सब लोग। तब आप लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? You all are ready for that? हाँ जी, अवनीश, खुश रहिए आप सभी लोग, और अच्छा कीजिए और बेहतर करने के प्रयास में रहें। हाँ जी, रेडी हैं आप सभी लोग? ऐप पर क्लास होगी 10 बजे, जो आपको मैंने बताया, वहाँ टेस्ट चल रहा है। और शाम में 6 बजे जो है, आर्ट एंड कल्चर का MCQ का टेस्ट है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। सो रेडी हैं आप सभी लोग? जब ही तक का वेट कर रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, जो लोग भी वेट कर रहे थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक काम करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर है अनअकैडमी का, देख लीजिए, क्रैक UPSC CSE GS विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक चीज़ और है, इंडिया के सभी बेस्ट एजुकेटर कहाँ पर हैं, आपके यहाँ पर हैं। दिस इज़ अबाउट मी, ये मेरे बारे में। आगे चलिए, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक UPSC CSE, इसमें प्राइस हाइक होने वाला है 1 अगस्त से, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी जो है ये 57.5K पे क्या है, आपका अवेलेबल है। ठीक है, CSE अश्योर जो है ये आपका हो रहा है क्या, कि परचेज 2 ईयर एंड अबव सर्विस सब्सक्रिप्शन, और आपको सिविल सर्विसेज का क्या हो रहा है, अश्योर एक तरह से किया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। राइट टाइम जो है वो 22 जुलाई से 8 जुलाई तक है, जल्दी करें आप लोग, इसमें देर ना करें।
वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल 25% जो है वो ऑप्शनल के साथ है, 10% जो है आपको 10% जो है आपको वो रेफरल कोड के साथ दिया जाएगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ चल रहा है जो कि 15,000 का है, जिसमें 21 टेस्ट होंगे सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के, 16 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ कोर्स होंगे। ठीक है, यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। ये वन ईयर का जो प्लान है 2022 तक वैलिड है, टू ईयर का 2023 तक है। इंडियाज मोस्ट कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज, 80 टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ 20 है, 12 सेक्शनल है और 18 टॉपिक वाइज है, 30 जो है मेंस के जो है उसमें टेस्ट सीरीज है। चेज योर ड्रीम के तहत आपको अनअकैडमी लोन प्रोवाइड कराएगा। 10 वन ईयर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10,000 की बुक मिल जाएगी। हमारे दो प्लान चल रहे हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में एक मेंटोर मिल जाएंगे आपको, टेस्ट एक्सपर्ट, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और प्लस में लाइव, वीकली, अनलिमिटेड और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन में देख लीजिएगा, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का तो ये होगा आपका 49,500। बट आफ्टर यूजिंग माई कोड, मेरा जो कोड है शाजिया 10, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपको 12 महीने का जो आपका बैच का प्राइस होगा 44,050। 12 मंथ का यहाँ पर देख लीजिए 74,500, और यहाँ पर क्या है ये हो जाएगा आप आइकॉनिक का मेरा कोड यूज़ करने के बाद 67,050। यहाँ ऑप्शनल का भी प्राइस आप देख सकते हैं, 12 महीने का जो ऑप्शनल का प्राइस है वो कितना है आपका, वो 27,500। बट आफ्टर अप्लाइंग माई कोड ये हो जाएगा, इट बिकेम 24,750। ठीक है, अमन अकेडमी का कॉम्बैट स्कॉलरशिप देख लीजिए, जो एवरी संडे को क्या होता है आपका 11 बजे होता है, आप लोग इनरोल करें। और प्लीज़ मेरा जो कोड है इसको यूज़ करें, आप सभी लोग मेरा कोड यूज़ करें, शाजिया 10 के नाम से है। 28 जुलाई से वन ईयर बैचेस फॉर यूपीएससी फिनिक्स रिवीजन बैचेस, वन ईयर बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी चल रहा है, लक्ष्य जिसमें है एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी। हाँ, आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे, गुड आफ्टरनून टू ऑल, आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम आप प्लस कोर्स पर आई हैं या नहीं आई हैं, आप लोगों को जिज्ञासा थी। सी ये रहा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी, शाजिया मैम दिख रही हैं इस वाले में, लक्ष्य बैच जो कि बनाया गया है इसमें मैं जीएस की पूर्ण तैयारी वाले बैच में मैं हूँ। देख लीजिए आप सभी लोग, आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम आपका किस में है, आप कौन से बैच में हैं, दिखा आप सभी को यहाँ पर, ये देख लीजिए मैं इस लक्ष्य वाले बैच में मैं हूँ, यहाँ पर आप सब मुझे देख सकते हैं। ठीक है, दो ईयर बैच फॉर यूपीएससी सीएससी, दिखा आप सभी को? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम आप कौन से बैच में हैं, किस में हैं, तो मैं आप लोगों को इसके लिए वही बता रही हूँ कि देख लीजिए इसमें। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप सब देख लीजिए। हाँ, कि शाजिया मैम किस में है ये आप लोग पूछ भी रहे थे, तो यहाँ मैंने आप लोगों को बता भी दिया, देख लीजिए मैं इस बैच में हूँ। फ्री टेस्ट सीरीज है, पाथफाइंडर 4.0, राइज 7.0 और वर्ल्ड अफेयर्स 4.0। ठीक है, चलिए जी टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं अब हम लोग। हाँ जी, दिख गए हम? ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग मेरी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की जो मेरी मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए, आपका इसमें जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतना ही हमारा ये मैराथन बेस्ट रहेगा या सफल रहेगा। ठीक है, तो इस मैराथन में आपका एक टॉपिक जो है मैं पूरा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय पूरा का पूरा मैं आप लोग को कंप्लीट कराने वाली हूँ। यहाँ एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में कुछ बातें मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय की अगर बारे में बात करें तो एज अ कंपनी, ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग, ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर, जो भी बच्चे नए आए हैं मेरी क्लास में, आप सभी का स्वागत है, हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई मैराथन क्लास। हाँ जी पुरुषोत्तम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। चलिए यहाँ आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पहुंची थी तो उस टाइम पर क्या था कि वो एक व्यापारिक कंपनी थी, या अपने पैर वो पसार रही थी किस पर्पज से कि भाई हमें यहाँ ट्रेड करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है यहाँ पर, व्यापार करना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं कि एक समय आता है कि जब ये धीरे धीरे भारत की राजनीति में क्या करने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, ध्यान से सुन लीजिएगा, रब्बा किरार, अच्छा ठीक है मैंने आपका नाम ले लिया, अब खुश हैं, नाउ यू आर हैप्पी। हाँ आनंद, गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं और जिनसे भी मेरा पहली बार आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। ठीक है, मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है।
और हाँ एक चीज़ है और है जो मैं अपने बारे में बता दूं यहाँ पर कि माई सेल्फ जो भी यहाँ पर आए हैं, मेरा नाम शाजिया है, शाजिया मैम के नाम से मैं जानी जाती हूँ। मैं ऑलरेडी दिल्ली के मुखर्जी नगर के जो कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े रिनाउंड कोचिंग्स हैं, मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ। और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, आप लोगों को फिर बाकी मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, चूँकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय का जो टॉपिक है, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इनके बारे में आप पूरा टॉपिक समझ लेते हैं या आपको क्लियर हो जाता है तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा मैं बता देती हूँ कि आप जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जैसे आप यूपीएससी का अगर आंसर राइटिंग लिख रहे हैं और आपके पास एक अच्छी समझ है, समझ इन द सेंस कि यूपीएससी के परस्पेक्टिव में, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूँ, देखिए है क्या कि कई बार आपको लगता है कि भाई यूपीएससी में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर जनरल पे स्पेसिफिक कुछ रख के तो नहीं पूछता है, कभी कदार हो सकता है कि किसी गवर्नर जनरल या वायसराय की पॉलिसी पे वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आपको ओवरऑल, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इस क्लास के फायदे क्या होंगे आपको, अगर आपको ओवरऑल पूरा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय की पॉलिसीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिए कि आपको, आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसी बात को आप कॉन्सेप्ट के साथ बता सकते हैं। ये बात तय है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनका फाउंडेशन बैच है, यानी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं 2021-22 में या 23 में अपीयर होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है यहाँ पर कि अगर आप एक बार यहाँ पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आप आगे के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक सेटलमेंट के आधार पर पूछते हैं, लाइक अगर पूछा जाए कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी भारत की शिक्षा नीति के टाइम, मतलब शिक्षा के परस्पेक्टिव में उन्होंने क्या किया, अच्छा ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी फैक्ट्री अधिनियम जो है उसमें उन लोगों ने किस टाइप के चेंजेस किए, अच्छा ब्रिटिशर्स कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी और कैसे वो अचानक से यहाँ के एक यहाँ की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में इसका बहुत ज्यादा क्या हो गया कि इनका हस्तक्षेप बढ़ गया और ये यहाँ पर लीड करना शुरू कर देती है, तो ये सारे सिनेरियो जो है ना यहाँ के वायसराय और गवर्नर जनरल की पॉलिसी को देख करके आप समझ सकते हैं। ये जो भी, हाँ जी ऐप क्लब, अच्छा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाँ जी पूनम गुड इवनिंग, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, तो ये चीज़ें इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो आपको बता रही हूँ, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या है कि भाई जब एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी तब यहाँ पर गवर्नर जनरल के तौर पर नहीं यहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जब हम क्या देखते हैं 1757 का जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, प्लासी का जब युद्ध हो जाता है, उसके बाद स्थितियाँ क्या हो रही हैं, प्लासी की जो प्लासी के युद्ध के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बाद जो स्थितियां हैं वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं भाई, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छा मेरी आवाज वॉइस वगैरह क्लियर है ना, मुझे एक बात आप लोग बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि क्लास अब जो अब जब रिदम में आएगा तो फिर क्या है कि बीच में ये सब बातें मैं नहीं पूछ पाऊंगी, सो दैट मैं आप लोगों से ये बात पूछ रही हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, हाँ आवाज़ क्लियर है एक बार बता दीजिएगा, और ये जो जो स्लाइड है मुझे लगता है कि इस पर दिख तो जाएगा ही आप लोगों को, ठीक है ना, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को दिख तो जाएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी जब होता है तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सिनेरियो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो आप लोग जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अच्छा ये हाईलाइटर है, ओके ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय इन्हीं की पॉलिसीज चली कहाँ पर, भारत में, ध्यान रखना है इनकी नीतियाँ, और इन्हीं नीतियों के द्वारा क्या हुआ, धीरे 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 भारत का आर्थिक दोहन भी हुआ इनके द्वारा, इनकी जो भी पॉलिसीज से जिससे भारतीयों में रोष बढ़ा, जिससे भारतीयों को क्या हुआ कि इन्हें ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट होते गए, एंड फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद, जो आप कह लीजिए कि हमें भारतीय भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो क्या होता है उसके बाद से आगे, चूंकि लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो वो भी क्या था, वैसा रहता, इनकी पॉलिसी ही क्या रहा, हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इन लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई, जिस तरह से भारत का दोहन किया, भारत का आर्थिक शोषण किया इन लोगों ने, तो इन सब जो पॉलिसीज है इन सब को क्या करना, हाँ उसमें बीच में कुछ कुछ चेंजेस भी आए हैं, ऐसा नहीं है सब चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं, नेगेटिव था लेकिन कुछ, जैसे सती प्रथा का जो जो था, जो बहुत ही वर्स्ट सिस्टम था उस टाइम पर,
अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को भी क्या किया जाता था, उसके साथ ही मतलब फिर उसके बाद माना जाता था कि उसके बाद महिला का उसके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। तो सती प्रथा को इन्होंने क्या किया, अबॉलिस्ट किया। तो कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ तो नेगेटिव ही है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने किया है। तो हमें क्या करना, ओवरऑल देखना है कि इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं ये जो यहाँ पर गवर्नर जनरल आए, और इनकी क्या पॉलिसीज थी भारत में, इससे क्या बदलाव आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अगर हम लोग देखें, देखिए मैं अभी आप लोगों को, अच्छा मेरा कोड यहाँ पर देख लीजिएगा, शाजिया 10 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे अभी क्या बताया कि 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरह से क्या है, यू टर्न रहा भारतीय इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम लोग बात करें तो ये भारतीय इतिहास का क्या रहा, एक तरह से ये यू टर्न रहा। कौन सा, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप आ जाइए 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। यानी ये युद्ध आपका, इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि आपके यूपीएससी के मेंस में, इसमें कहां से यूपीएससी के मेंस में क्या हो चुका है, इससे क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। कि एक बात बताएं, इसमें क्वेश्चन ये था कि 1757 के प्लासी युद्ध जो है, प्लासी युद्ध अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1764 का बक्सर युद्ध जो था ना, इसने भारत की दशा और दिशा निर्धारित कर दी थी। इसके बारे में समीक्षा करें, ऑलरेडी ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। तो 1757 से बेसिकली क्या हुआ था कि एक तरह से ये अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे आ चुके थे, लेकिन 1764 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, कंडीशन चेंज हो जाता है। बट स्टिल बंगाल में हम लोग क्या देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, कौन भाई, रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, कि इसकी दूरदर्शिता का परिणाम रहा क्या ये पूरा का पूरा भारत में जो उस टाइम पे, मतलब बंगाल में किस प्रकार से इसने क्या किया, सिनेरियो चेंज कर दिया। ये सारा का सारा माइंड जो था ये किसका था, ये आपको रॉबर्ट क्लाइव का था। गुड आफ्टरनून स्वीटी माथुर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मेरी क्लास में नए आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो यहां देखिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग कुछ बात करते हैं। हाँ, अब यहां पर देख लीजिएगा, अब प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया कि प्लासी के युद्ध के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, कि बंगाल में जो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, एक सेकंड रुक जाइए, इसको काट ही दीजिए लाइन को। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, हाँ बंगाल में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखना है क्या कि बेसिकली क्लाइव ने क्या किया। यहाँ पर आपको देखना है कि क्लाइव यानी बंगाल में अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो क्लाइव ने क्या किया कि अपनी बुद्धिमता, बुद्धिमता इन द सेंस आपको पता ही है, इसने क्या किया था बैटल ऑफ प्लासी में, क्या किया, सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर को इसने क्या किया, अपने साथ एक साठ गांठ कर ली, एक तरह से उसने पहले ही उसे क्या किया, खरीद लिया कि भाई तुम जो हमारा साथ दोगे। अच्छा जी राकेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश, और स्वागत है आपका राकेश इस क्लास में। अच्छा लगता है सुन करके कि जब हमारे स्टूडेंट बताते हैं कि मैम हमारा क्वालिफाई हुआ, मैं पढ़ा तो मुझे हिस्ट्री पढ़ के इस तरह की लाइफ में चेंजेस आए, दैट्स वेरी, एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, धन्यवाद आपका। चलिए यहाँ आते हैं, बंगाल के गवर्नर यानी कि बंगाल का, इस टाइम पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव के कंटेक्स्ट में देखें तो इसने क्या किया था कि ये अगर बात किया जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का गवर्नर बनता है, आपका अगर ये प्रश्न आता है तो वो पहला गवर्नर कौन है, दैट इज क्लाइव। कौन है ये यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपसे क्या किया, इसने अपनी दूरदर्शिता से यानी अपने अपने जो इसका जो प्लानिंग था ना, दूर का जो अप्रोच था, उस अप्रोच से ही इसने क्या किया कि जो बंगाल में ऑलरेडी वहां के नवाब थे, वो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, उनको उसने क्या किया वहां पे कमजोर कर दिया, या कह लीजिए कि उनको इसने क्या किया वहां से उखाड़ फेंका। ये सब क्लाइव की ही देन थी, ये क्लाइव की ही स्ट्रैटेजी का परिणाम था। हाँ जी शांति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि बक्सर की विजय के तुरंत बाद फिर इसको क्या किया गया, गवर्नर बनाकर भेजा, और इसके समय पर कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। एक चीज समझिएगा है क्या कि अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति है,
ठीक है, अच्छी पॉलिसी है आपके पास और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, तोड़ना आपको बेहतर ढंग से आता है, एक दूसरे में फूट कराना अच्छे से आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक लंबी पारी खेल सकते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, वही काम किया था, इसने क्या किया कि ये लालच दे देता था कि ठीक है ऐसा है, और इसके पास एक माइंड भी था। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती अगर यहाँ पर क्लाइव ना होता तो। तो रॉबर्ट क्लाइव, गुड आफ्टरनून सोनू। हाँ जी, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग क्या है यहाँ पर देखते हैं, कुछ बातें देख लीजिएगा। दीवानी, मैंने आप लोग को बताया भी था कि दीवानी और जैसे कि निज़ामत और दीवानी, ये दो चीज़ें थी, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है रेड में। हाँ जी, ये रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को, एक बार बता दीजिएगा प्लीज़, ये रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, एक बार बता दीजिएगा, ये रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को? इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता दूंगी। गुड आफ्टरनून दिनेश, गुड आफ्टरनून। हाँ जी पूनम, गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, अगर नहीं पता है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पर। अगर हम लोग देखा जाए, देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको देखिए ये नहीं है, इसको ये मत समझिएगा कि मैम जो पढ़ा रही हैं ये वन लाइनर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा का पूरा यूपीएससी फोकस्ड करके आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताती जाऊँगी, क्योंकि तभी आपको क्या होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि दीवानी और निज़ामत, ये ध्यान रखना है आपको, दीवानी और निज़ामत, ये दो टर्मोलॉजी था। जब यहां पर यानी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, यानी जब 1764 का युद्ध हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे कि 1765 में इन लोगों को एक अधिकार मिला, बंगाल की दीवानी का अधिकार। किसका? बंगाल की दीवानी का अधिकार। अब दीवानी आप बोलेंगे मैम दीवानी का अधिकार क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी? तो दीवानी मतलब होता है, देखिए, वित्तीय संबंधी सभी मामलों से संबंधित। ठीक है सौरभ, मैंने प्लेन पेज कर दिया। इसका मतलब हो जाता है क्या आपको, वित्तीय संबंधी मामले। इसका क्या मतलब होता है, वित्तीय संबंधी मामले या विषय, ठीक है ना, वित्तीय संबंधी मामले या विषय, यानी इट मीन्स कि इसमें सभी आ गए। जैसे आप कर जो है उगाह रहे हैं, ए टू जेड चीजें जिसमें क्या हो, आपको पैसा हो, सीधी सीधी बात कहूं, जिसमें पैसा हो। तो इस तरह का जो दीवानी जब इनको मिल गया यहाँ पे, तो अब अंग्रेजों की स्थिति होने लगी काफी मजबूत, यानी डे बाय डे ये क्या होने लग गए, काफी मजबूत होने लग गए, काफी स्ट्रांग होने लग गए। और उसके बाद से जैसे ही इनको दीवानी का अधिकार मिला, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल में लूट, जिसको कहा जाए खुली लूट की जो कंडीशन थी वो शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई इनको तो मिल चुका है, अब क्या है, बंगाल बिहार उड़ीसा इनको मिल चुका है, अब उसके बाद ये जम करके वहां उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं, है ना, जम कर क्या करते हैं, ये उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्धों में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार और निजी व्यापार के जरिए खूब धन बटोरा। यानी कंपनी तो कमा ही रही है, कंपनी के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, खूब अपने मन से क्या कर रहे थे कि जितना हो सके वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसका इस्तेमाल करें अपनी इच्छा से, ठीक है। अच्छा, निजामत का मतलब होता है पूनम प्रशासन, ध्यान से सुन लीजिएगा, निजामत का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। अब प्रशासन में कौन सा भाई, तो प्रशासन में जैसे मान लीजिए आपको न्यायिक व्यवस्था हो गई, ठीक है, पुलिस व्यवस्था हो गई, ये सब के सब क्या किया गया, इन्हें दे दिया गया, जो बंगाल के नवाब थे। यानी वो काम जिसमें कोई भी आपको आर्थिक रूप से जो आपकी स्थिति मजबूत ना हो, उसमें क्या किया गया, इन्होंने जानबूझ के क्या किया कि वैसे काम दिए थे बंगाल के नवाब को जिसमें उनको आर्थिक किसी भी प्रकार का, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं होते, ठीक है। दीवानी का मतलब हो गया कि ऑल काइंड ऑफ, हाँ, तो ऑल काइंड ऑफ, दीवानी का मतलब क्या होता है कि ऑल काइंड ऑफ फिनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेट करना, लगान लेना, ये सारे काम जो हैं ये कौन करेगा, ये ब्रिटिशर्स करेंगे। इस पर एक अधिकार किसका है, ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि प्रशासन में क्या है भाई, कि आपको वो काम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जिसमें कि हमें कुछ नहीं देना, आपको ही सारी चीज़ें क्या करनी है, उसमें जनरेट करनी है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्लाइव ने, हालांकि क्लाइव ने ये जो व्यवस्था थी इसको इसने क्या किया, बंद कर दिया और कहा कि आंतरिक कर जो आप दे रहे हैं अब आप इसको जो है नहीं करेंगे, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन प्रतिबंधों से कुछ हानि हुई, जैसे अगर हम लोग क्या देखते हैं कि अगस्त 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति बनाई गई, यानी कंपनी में जो भी इम्प्लॉयज थे, ये ध्यान रखिएगा, जो भी इम्प्लॉयज थे इनकी क्या की गई, एक व्यापार समिति बनाई गई और इसमें कहा गया कि नमक, सुपारी, तंबाकू व्यापार का एक अधिकार इनको दिया गया। 1768 तक में क्या हो गया, ये योजना भी समाप्त हो गई। इसका मतलब ये कि कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, जो कंपनी के इम्प्लॉयज थे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, हाँ हाँ वही मैं बता रही हूँ कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज जो थे वो क्या कर रहे थे, वो भी लगातार अपने आप को लगातार क्या कर रहे थे कि कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भी क्या करें, अलग से पैसा जनरेट करें। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इन लोगों ने भी क्या किया, यानी खुद में कहा कि ऐसा है हमें भी मजबूत होना है, यानी सिर्फ कंपनी नहीं लूटेगी, कंपनी के कर्मचारियों को भी लूट खसोट मचानी है, उन्हें भी पैसा चाहिए, उन्हें भी आर्थिक शोषण करना है, हमारी भी बराबरी से हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, इसी टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने जब जो कंपनी के जो कर्मचारी, जो सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता जब बंद कर दिया गया, तो जनवरी 1766 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत का मतलब होता है वाइट, और हम लोग किसको बोलते हैं, वाइट किसको बोलते हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया, जो यहाँ पर गोरे लोग थे, और इन्होंने कहा कि भाई, उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ये भत्ता जो है ये हम सिर्फ उन सैनिकों को देंगे जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर जाकर के कार्य करते हैं। मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया। यानी इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि इस समय, ध्यान दीजिएगा, बताने का पर्पस ये कि इस समय हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी में आंतरिक जो है कलह या आंतरिक इनर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमें दिखाई दे रही है, और उस इनर कॉन्फ्लिक्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ क्या कि क्लाइव ने बोला कि ऐसा है आप सब लोग जो हैं, यानी कंपनी को पैसा, बेसिकली कंपनी को कमाने का कार्य है, आप इम्प्लॉयज़ या आप सैनिक लोग अगर सोच रहे हैं कि हम आपको भी यहाँ पर डबल करके दें तो ये मतलब नहीं बनता है। क्लाइव ने क्या किया कि सारी चीज़ें इन लोगों की बंद कर दी, कैसा, हम आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ उन्हें देंगे जो यहाँ से बाहर, जो बंगाल और बिहार से बाहर जाकर अपनी सैनिक सेवा दे रहे हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, भत्ता देंगे। देखिए, भत्ता का मतलब होता है बेसिकली अलाउंस, अलाउंस उसको कहा जाता है, जैसे सैनिक, वो सैनिक जो मुख्य, जहाँ पर उनकी ड्यूटी है, जहाँ उनकी तैनाती है, उस वो सैनिक जो उस जगह से किसी दुर्गम जगह पर, दुर्गम इन द सेंस कि किसी टफ स्टेशन पर जा करके अपनी सेवा दे रहे होते हैं, तो उनको सरकार क्या करती है, अलाउंस देती है, अलाउंस इन द सेंस भत्ता देती है अलग से। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है, हम वैसे लोगों को नहीं देंगे, भत्ता, समझिए मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनको नहीं पता है एक बार सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भत्ता बोलते किसको, जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है, भत्ता, आप लोगों ने बोला कि मैम भत्ता क्या है, ठीक है ना। देखिए, भत्ता का मतलब बेसिकली होता है अलाउंस, इसको बोलते क्या है, अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सैनिक है, ओके, जैसे मान लीजिए सैनिक है कोई, इसका जो मुख्य क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये बंगाल में क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, सपोज दैट ये क्या कर रहे हैं, बंगाल में अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, और इनका हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये बंगाल में अपनी सेवा दे रहे हैं तो इनका क्या है कि भाई ये अगर बंगाल से कहीं दूर जाकर के, लाइक जैसे मान लीजिए कि ये बर्मा में जाकर के अपनी सेवा देने लग गए, ठीक है, तो अगर ये बर्मा में जाकर के सेवा दे रहे हैं तो इनको कंपनी, ध्यान से सुन लीजिएगा, इनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, जो इनकी सैलरी है, सैलरी जो है वो तो रहेगी ही रहेगी, प्लस इस दूर जगह पे जाकर के सर्विस देने के लिए वो इन्हें क्या देगी, भत्ता, भत्ता इन द सेंस कि अलग से एडिशनल आपको क्या करेगी, पैसा वहां पर पे करेगी। समझ गई आप पूनम? हाँ जी पूनम, ये क्लियर है आप सभी को? और डियर स्टूडेंट, सभी क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी पूनम, ये समझ गई आप? क्लियर है ये आप लोगों को? ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है भत्ता, जो आप पूछ रहे थे भत्ता।
तो इसमें ये कहा गया कि भाई ऐसा है, हम जो है अगर आप कहिएगा कि जो भी बंगाल में जो सैनिक है, यानी हम आपको सैलरी भी दे रहे हैं, उसमें भी उनकी कुछ कुछ चीज़ें रहती थी, और उसके अलावा हम आपको अलाउंस भी दें, तो ये मतलब नहीं बनता। इन्होंने क्लियर कट कहा कि ये मतलब नहीं बनता है, और वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस, हम आपको नहीं देंगे। आप जब बाहर जाएंगे, यानी आप जब बंगाल से निकल करके आप बर्मा जा रहे हैं, आप जा करके मान के चलिए कि आप वेल्लूर कहीं जा रहे हैं, दूर जगह पर मैंने आपको, ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल, जो लोग नए आए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ जी, इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, यस इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, आज चला जाएगा आप लोगों के इस पर, आज से टेलीग्राम पर, जो मैंने बताया भी था कि मैराथन क्लास जिस दिन से होगी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यही होता है मेनली, क्या इसी को कहा जाता है, क्या अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि हुआ क्या कि जब इसको मना कर दिया गया, तो हुआ क्या कि यहाँ के जो सैनिक थे, जो मैं आपको बता रही थी कि जो सैनिक थे, उन्होंने ही क्या किया, इसमें विद्रोह कर दिया। जो यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक थे, जो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है, आप इस तरह से करेंगे, तो वी आर गोइंग टू रिवोल्ट। अब इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, और इसी रिवोल्ट को कहा गया क्या आपको, वाइट रिवोल्ट। इसको क्या कहा गया, वाइट रिवोल्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्वेत विद्रोह। इसको क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह। देखिए मैं आप सबसे एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए थोड़ा टफ लगता है, ठीक है ना, थोड़ा टफ लगता है, और टफ है भी ये टॉपिक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये टॉपिक टफ है, ठीक है। गवर्नर जनरल, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे एक चीज़ आप सब लोग बताइए क्लास में, यहाँ पे क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, एक बार सभी लोग यस में या नो में जवाब दे दीजिएगा कि मी कह दीजिएगा। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नर जनरल का टॉपिक बहुत टफ लगता है, देखिए मैं बताती जाऊँगी और रिकॉल कराते जाऊँगी आज की क्लास में, जो मेरा काम है वो ये है कि मैं आपको बताते जा रही हूँ और आपके दिमाग में, माइंड में वो चीज़ें फिट भी करते जाऊंगी कि देखिए मैंने आपको क्या बताया है। कोई बात नहीं है, हाँ मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए एक बार समझ लीजिएगा यहाँ पर, अब जिनको जिनको नहीं समझ में आया था एक बार समझ लीजिएगा कि मैंने जिसके बारे में बताया, मैंने किसके बारे में बताया आप लोगों को, मैंने बताया यहाँ पर आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, कि रॉबर्ट क्लाइव को हम क्या देख रहे हैं, दो बार वो क्या होता है यहाँ का गवर्नर बनता है बंगाल का, और दोनों बार में, जैसे अब आपको देखिए यहाँ पर मैं सीधी सीधी एक बात बताऊँ आपको, हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आ जाइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इसने किया क्या है, इसकी पॉलिसी आपको समझ लेना है। 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हो रहा है, उसके बाद से फिर हम क्या देखते हैं कि यानी दो बार, यानी आपको ये चीज़ देखना है कि बंगाल में क्या हो रहा है, ये दो बार गवर्नमेंट बनता है बंगाल में, इसकी जो सेवा है वो कितनी बार होती है, दो बार, ठीक है ना। अब इस दौरान हम क्या देखते हैं कि इसने, इसके जो कार्य हैं, सबसे पहली बात समझना है कि इसके कार्य हैं, तो इसके कार्य पर जिनको जिनको नहीं, अगर वहां पर क्लियर नहीं हो रहा है, दीवानी मिल गया कंपनी को, ठीक है, दीवानी में क्या है भाई, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इनको मिल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, दीवानी में क्या मिला है इनको। और हाँ, पेन कॉपी कितने लोग रख रहे हैं अपने आसपास में, मुझे एक बात बताइएगा, इंग्लिश में भी समझा दूं, अच्छा जी ठीक है, ये बताइए यहाँ पर पेन कॉपी कितने लोगों ने रखा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और है, प्लीज़ एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिए ये मैराथन क्लास है, यहाँ पर खुद भी जैसे आपके साथ साथ टीचर का सबसे ज़्यादा एनर्जी भी लगता है, टीचर सबसे ज़्यादा मेहनत भी करता है, तो आपको एक अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कि बिना वजह डिस्टर्ब मत करिएगा कि मैम ये है मैम वो है, क्योंकि देखिए मैराथन में मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये एक सीरियस क्लास होती है। मैराथन का मतलब होता है कि एक दिन में आपका एक विषय जो है वो मैं समाप्त कराने वाली हूँ, तो बिना मतलब का जो होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट करना कि ये है वो है, वैसा मत करिएगा। It's my humble request to all of you. ये मेरा humble request है आप सभी से कि बिना वजह क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, कृपया करके। देखिए ये आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम अब होने वाले हैं यूपीएससी, वहां पर जो मैं जितना बता रही हूं ना, मैं आपसे कह रही हूं और इस बात का मैं गारंटी दे रही हूं आपको कि आप अगर एक बार ठीक से जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूं, अगर आप पढ़ लेते हैं, हाँ अगर आप
ठीक है, सबने पेन कॉपी ले रखा, तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैंने आप सबके पास बुक्स होते हैं, मैटर होता है, मैटर की कमी आपके पास नहीं है, लेकिन है क्या कि समझ नहीं बन पाती है, इतनी सारी बातें हैं गवर्नर जनरल में कि आप परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, है ना। सबने कॉपी रख रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कॉपी रखिए भी। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई थी, दीवानी मिल गई थी। तो इसका मतलब ये है, आप जब लिखिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्थिक शोषण इन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आर्थिक शोषण की शुरुआत हो गई, आर्थिक शोषण की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ओके, यानी इससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्थिक शोषण की यहाँ पर क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। उसके अलावा जो अगर बात किया जाए तो इसने क्या किया था कि यहाँ पर, यानी इस समय पे ऑलरेडी जो यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं समझा रही हूँ, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, ये भी क्या कर रहे थे इस टाइम पर, भ्रष्टाचार, यानी बड़े लेवल पर क्या चल रहा था इनके थ्रू, ये भ्रष्टाचार यानी करप्ट हो चुके थे, और ये भी क्या कर रहे थे, पर्सनली अपने लेवल पर पैसा उगा रहे थे, ठीक है, अपने लेवल पर ये लोग क्या करते, पैसा उगा रहे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम अपने इम्प्लॉयज पे भी क्या करेंगे, नियंत्रण बनाएंगे कि ये मनमानी नहीं करें, क्योंकि कंपनी को पैसा जाना चाहिए, कंपनी इनको ऑलरेडी एज अ इम्प्लॉय पे कर रही है, देन हाउ दे कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग, सो दैट वी कैन सी दैट रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने क्या किया कि ही टुक अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर द इम्प्लॉयज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने काफी सख्त जो होता है ना कदम उसने उठाए कि भाई मैं आप लोगों के अगेंस्ट क्या करूंगा, कि आप लोगों के अगेंस्ट मैं एक सख्त कदम उठाने वाला हूं। तो इसने किया क्या कि कर्म कंपनी के जो भ्रष्टाचार जो इन लोगों ने बढ़ा दिया था, तो उसको रोकने के लिए इसने कहा कि सबसे पहले तो जो सैनिक जो है, हमने कहा, इसने कहा कि हम सैनिकों को जो दोहरा भत्ता दिया जा रहा था कि इनको सैलरी भी मिल रही है, इनको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, और उसके अलावा क्या हो रहा है कि ये अपनी कुछ मनमानी भी कर रहे हैं, तो अब हम उस पर पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ उन्हें ही पे करेंगे जो बंगाल और बिहार से कहीं दूर जा करके क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसने देखिए, ध्यान रखिएगा, आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या किया, इसने सबको लपेटा, लपेटा इन द सेंस कि उसने सबके लिए क्या किया, एक स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया कि जो मेरे अंदर, देखिए एक होता है, समझिए इस बात को, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि इसने सैनिकों को, ठीक है ना, और कर्मचारियों पर, सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताया, इसको इस तरह से समझिएगा, सैनिकों और कर्मचारियों पर इसने क्या किया, सख्ती बना दिया। क्या किया, सख्ती, यानी कि कड़े नियम इसने बना दिए कि भाई आपको इस तरह का करने का कोई भी काम हम आदेश नहीं देते हैं। तो एक चीज मुझे, आप सभी लोग मुझे बताइए कि अगर कंपनी के इम्प्लॉयज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर आए, दुरुस्त आए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, जो भी लोग देर आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सपना, बस क्लास को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, आप सब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कोई, जैसे समझ लीजिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए अपने सैनिकों के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो मुझे एक बात बताइए कि स्ट्रिक्ट इस तरह की जो डिसीजन इसके द्वारा लिया गया, इसका बेनिफिट क्या होगा, बताइए इसका, इसका बेनिफिट क्या होगा। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को मिलने वाला था या वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था। आंसर आपको देना है इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म। लंबे समय के लिए इसका फायदा होने वाला था या कम समय के लिए इसका फायदा होने वाला था, आपको इसका आंसर देना है इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म। बताइए इसमें क्या होगा आंसर आप सभी का। देखिए पार्टिसिपेट भी करिए, सिर्फ ये नहीं कि मैं बोलती जाऊं पता चला मेरे स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, मैं चाहती हूं कि आप सब बराबरी से इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। अभी पढ़िए, मैराथन है भाई, अभी पढ़ना शुरू कीजिए, अभी तो आए ही है इन लॉन्ग टर्म। अच्छा, नीरू ने कहा है, नीरू ने कहा है इसमें, नीरज ने मतलब कहा है लॉन्ग टर्म का होगा मैम, लंबे समय के लिए कह रहे हैं सुरुचि। अच्छा ओके, जिज्ञासा भी कह रही है कि मैम लंबे समय तक का इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लंबे समय तक के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जो लोग भी जिनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा है सब ने यही कहा कि मैम इस देखिए था क्या, समझिए इस बात को, अभी कंपनी में इनका यानी बंगाल में एज अ गवर्नर ये एस्टैब्लिश हुए हैं, यानी बंगाल का अभी पॉलिटिकल सिनेरियो समझिए, यानी बंगाल की जो राजनीतिक शक्ति है ना वो अभी किसके पास शिफ्ट कर गई है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अभी अगर वो कड़े नियम नहीं बनाते तो इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये हो जाता हाँ मैं वही कह रही हूँ, देखिए अगर ये कोई कड़े नियम नहीं बनाते तो इसका ड्रॉबैक मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी में भ्रष्ट कर्मचारी जो है वो क्या हो जाते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, और इनका करप्शन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि फिर ये भारत में जो इतना लंबा शासन कर पाए ना वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग पढ़े हुए होंगे, कंपनी मैंने पढ़ाया भी था, मुझे नॉर्मल सी एक बात बताइए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में क्या अंतर था बताइए इसमें। हाँ जी बताइए आप लोग कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। क्लास अभी शुरू हुई है, ये क्लास अभी शुरू हुई है आप लोगों की। हाँ जी मुझे बताइए आप लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, गुड आफ्टरनून विक्की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज थे और उसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि जो ब्रिटिश जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसीसी भ्रष्ट थे, ओके बताइए आप सभी लोग से मैं पूछ रही हूं, अभी शुरू हुआ, अभी अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूं प्लीज पढ़िए, अभी डिसिप्लिन एंड अनडिसिप्लिन, एग्जैक्टली जिज्ञासा यहां देखिए, यहां मैं आप लोगों को बता देती हूं कि सीधी सी बात है, आपको बता देती हूं कि इसका अंतर क्या होगा, देखिए अंतर मैं अभी आपको समझा देती हूँ। इसका बेनिफिट मैंने आपसे क्या कहा कि एक ओवरऑल मैं आपकी आज पूरी समझ बना दूंगी कि इनके गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी और क्या पॉलिसीज थी, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ देख लीजिएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इन दोनों के मैंने पूछा इन दोनों के एम्प्लॉयज में क्या अंतर है, यानी इन दोनों के कर्मचारियों में क्या अंतर था। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, ब्रिटिशर्स के जो एम्प्लॉयज थे इनके वो बहुत ज़्यादा, चूंकि क्या हुआ था इस टाइम पे कि ऑलरेडी क्लाइव ने, आपको देख ही रहे हैं आप, क्लाइव ने क्या किया है, कड़े नियम बना रखे थे। अब इस कड़े नियम को बनाने का एक फायदा ये हुआ कि इसका लॉन्ग टर्म इनको क्या हो गया, बेनिफिट मिला। लॉन्ग टर्म क्या मिला इनको, बेनिफिट मिला। लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि ये भारत में शासन करने की स्थिति में रहे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में बात करें तो ये भ्रष्ट थे, ठीक है ना, भ्रष्ट का मतलब क्या होगा, करप्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं टिक पाए, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं टिक पाए से मतलब ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इन्होंने जो शुरू से जो एक नियम बनाया, जो डिसिप्लिन बनाया, उस डिसिप्लिन का इनको फायदा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए मिला था, है ना, उसका फायदा क्या हुआ, गुड आफ्टरनून आयुष्मान, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए उसका बेनिफिट इनको मिला। क्लियर है ये आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि और यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर हम लोग देखा जाए तो इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा ही जाता है कि ये इसने एक तरह से क्या किया था कि ब्रिटिशर्स की नींव इसने रख दी थी। इसके बाद अगर देखें, अगर इसके बाद कौन आता है यहाँ पे, वेंसीटार्ट, ध्यान से देख लीजिएगा, बक्सर के युद्ध के समय ही हम लोग क्या देखते हैं कि वेंसीटार्ट जो है ये यहाँ का गवर्नर था। वेरेलस्ट जो है वो द्वैध शासन के समय ये बंगाल का गवर्नर था। ये कुछ छोटे छोटे गवर्नर आते हैं जिनके टाइम पर कोई बहुत मेजर काम नहीं होता है, बस छोटा छोटा है, इनको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है।
और कार्टियर के टाइम पे भी हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल में द्वैध शासन बना रहा। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसका एक चीज आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको देखना है वो ये है कि लगातार टिल अगर जब तक कि हेस्टिंग्स नहीं आता, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनके जो गवर्नर जनरल आए, तो गवर्नर जनरल में याद रखिएगा इतिहास में हम उन्हें ही क्या करते हैं, याद करते हैं जो कुछ बड़े लेवल पर चेंज लेकर आते हैं, जो कुछ बदलाव लेकर के आते हैं, जो बदलाव के अग्रदूत होते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन से कार्य किए थे, अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसकी नीतियां जो थी उसने कहीं ना कहीं से क्या किया है कि यहाँ पर अपने पॉलिसीज के कारण यहाँ पर क्या किया कि कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस ये लेकर के आता है, और वो चेंजेस क्या है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वो चेंजेस क्या है। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को कुछ बात यहाँ पर क्लियर कर बता देती हूँ आप लोगों को कि बंगाल का अगर हम लोग देखें यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कि ये जो था यानी इसके टाइम पर अगर देखा जाए तो 1773 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये क्या हो रहा है, बंगाल का गवर्नर ये बनाया गया। और 1773 का मतलब बनाया क्या गया, एक तरह से समझिए रेगुलेटिंग एक्ट, टू रेगुलेट, यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोग को समझा ही देती हूँ तब आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, हेस्टिंग्स के बारे में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हेस्टिंग्स, हम हेस्टिंग्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर क्या क्या चीज़ें जो मेनली इसका टाइम आप देख लीजिएगा 1773 से लेकर के 1785 तक में क्या क्या चेंजेस, सॉरी 85 तक में। और हाँ एक चीज़ और है, स्पेशली जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट देख लीजिएगा, यूपीएससी में कभी डेट नहीं पूछता, ये एकदम क्लियर कट रखिएगा, डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेजर जो चेंजेस हैं वो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर समझना है कि जो एक्ट है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर क्या चेंजेस हुए, मैं फिर से बता रही हूँ कि चेंजेस के बारे में, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये तो जब मैं एक्ट बताऊंगी तब आपको उसमें क्या कर दूंगी, पूरी तरह से समझा दूंगी। रेगुलेट का मतलब से समझ लीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है टू रेगुलेट, है ना, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट इन द सेंस कि वो चीज़ें जो अनियंत्रित हैं हम उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यानी वो चीज़ें जो क्या है अनियंत्रित हैं हम उसे क्या कर रहे हैं, नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके टाइम पर हम लोग क्या देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या है यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारे के सारे जो नियम आ रहे थे ना ये धीरे धीरे अब टू कंट्रोल द जो कह सकते हैं कि द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अच्छा द्वैध शासन पूछ रहे हैं, द्वैध शासन समझ लीजिए, इनका पूछना है कि मैम द्वैध शासन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया था, समाप्त किया था, द्वैध शासन समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ व्हाट इज द्वैध शासन, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डायार्की, वी कैन से डायार्की, ध्यान से सुन लीजिएगा, डायार्की के बारे में अगर बात किया जाए, द्वैध शासन, द्वैध शासन मैं अभी आपको बता रही थी दीवानी और निजामत में चीजें बट जाती हैं, ठीक है, तो दीवानी का मतलब होता है ये द्वैध शासन का ही पार्ट था, और निजामत ये जो है तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी वित्तीय संबंधी मुद्दे हैं, वित्तीय संबंधी जो भी मामले हैं वो कौन देखेगा, वो कंपनी देखेगा, ठीक है, और जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी मैटर है वो कौन देखेगा, वो देखेगा यहाँ पर जो यहाँ के बंगाल का नवाब है। ये किसको दिया गया था, ये बंगाल के नवाब को ये काम दिया गया था, ठीक है, ये बंगाल के नवाब को दिया गया था, क्लियर है ये। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके टाइम पर अगर हम लोग बात किया जाए कि क्या क्या चीजें यानी कौन कौन से मेजर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए यह क्या मैंने आपसे क्या कहा कि हेस्टिंग्स के बारे में एक बात करें तो इसने सबसे पहले कहा कि भाई ऐसा है हम ड्यूअल गवर्नमेंट वगैरह जो आपने बना रखा है हम उसे क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, हमें इसको हम इसको सीधा सीधा इसका जो मेजर वर्क ध्यान रखिएगा इसने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी, इसने क्या किया द्वैध शासन की समाप्ति कर दी, आते के साथ इसने सबसे पहले क्या कहा कि ड्वेल जो गवर्नमेंट आपने बनाया है इससे नुकसान है, इससे हो क्या रहा है कि भाई जो वित्तीय संबंधी मामले आपने कंपनी को दे दिए इसमें कंपनी के कर्मचारी भी क्या कर रहे हैं अपने से क्या कर रहे हैं उसमें ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हम अपना ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा ले लें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इसका कार्यकाल कैसा रहा इस टाइम पे और कौन से मेजर हम लोग चेंजेस देखते हैं इसके टाइम पर, हेस्टिंग्स के टाइम पर अगर देखा जाए तो इसने क्या क्या काम किए थे यहाँ पे, ठीक है,
एक सेकंड आ जाइए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1772 में हेस्टिंग्स ने क्या किया था, यहाँ पर राजस्व बोर्ड की एक गठन किया। उसके अलावा भूमि जो है इसने हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय और 1777 में 1 वर्षीय भूमि बंदोबस्त इसके द्वारा लाया गया। यानी हेस्टिंग्स के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि 2-3 सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। एक बार मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू बोर्ड जो आपने देखा उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस देख रहे हैं हम लोग। और उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, राजस्व बोर्ड आपको ध्यान रखना है, भूमि सुधार, यानी कि हम 2 सेक्शन देख रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, आपको डेट नहीं भी याद रहेगा कोई मुद्दा नहीं है, यूपीएससी में आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसने क्या किया कि 1774 में हुआ क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही 1774 में ये हुआ कि कलकत्ता में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे, उनको सर एलिजा इम्पे बोला जाता था। 3 अन्य न्यायाधीश थे जैसे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट जो थे, ये इसके 3 अन्य वो क्या थे इसमें जुडिशियली जो इसमें जस्टिस थे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इसे क्या कहा जाता है कि भारत में न्यायिक सेवा का इसको जन्मदाता ही कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो मैं देखिए आप लोगों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पर कुछ बातें कि अब आप यहाँ पर समझिए। आपको वॉरेन हेस्टिंग्स, मैं क्लियर कट बता दूँ, अगर आपका क्वेश्चन आता है, सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन आता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसके कार्य को आप बताएं, या वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन ये रहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन मान लीजिए क्या थे बदलाव, मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत डेट वेट याद रखें, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखिए हेस्टिंग्स का आप 3 तरह से इसको समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। एक तो इसने क्या किया, राजस्व बोर्ड, ध्यान रखिएगा राजस्व बोर्ड, आप अपने आंसर को कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, राजस्व बोर्ड हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसने क्या किया था, आपको भूमि सुधार से संबंधित इसने क्या किए कार्य किए, भूमि सुधार, ठीक है। और तीसरा इसने क्या किया, न्यायिक क्षेत्र में इसमें क्या है, सुधार, जिसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, क्लियर है। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भूमि सुधार, रेवेन्यू बोर्ड, ये सब इसने क्या किया यहां पर एस्टैब्लिश किया था। हाँ, भूमि सुधार, रेवेन्यू बोर्ड, आपका कल का क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं है, अगर कल की क्लास छूट गई है तो अब इसमें मैं अब क्या बोलूं, मैं यही कहूंगी कि कल का क्लास अगर छूट भी गया है तो कोई इशू नहीं है, अगर कल का क्लास छूट भी गया है देन कोई बहुत मुद्दा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए, हम लोग क्या देख रहे हैं 3 क्षेत्रों में, अब आपको समझना क्या है यहां पर कि 3 क्षेत्रों में हम लोग क्या देख रहे हैं 3 क्षेत्रों में हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर चेंजेस आया, कौन कौन सा है, जैसे रेवेन्यू बोर्ड हो गया, भूमि सुधार हो गया और न्यायिक क्षेत्र में सुधार की बात कौन कर रहा है यहां पर, हेस्टिंग्स के समय पर हम लोग देखते हैं कि ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है आप सभी को। अब आपको मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, देखिए कुछ बातें जो आपको यहां पर समझनी है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर यहां पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इसके टाइम पर हो रहा है, जो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, जो 1780 से 84 के बीच में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना और घटती है, वो क्या है भाई कि यहां पर एशियाटिक सोसाइटी इसने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक, जैसे अगर आपसे बोला जाए तो ये तो हो गया ओवरऑल कि इसमें इसने चेंज किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और क्या क्या चेंजेस जो है हेस्टिंग्स ने करवाया था, तो चेंजेस इन द सेंस कि इसकी ही कोशिश से हम लोग क्या देख रहे हैं 1784 में क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी, किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, ये इसका सांस्कृतिक पक्ष है। सांस्कृतिक का मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी जो है आप देख रहे हैं, इसका कार्य क्या था, जो भी भारत की जो प्राचीन पुस्तकें थीं, जो एंशियंट टाइम की जो जो भी बुक्स थी, उसको क्या करना था, उसको इसने इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट करवाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ताकि दुनिया इसे क्या कर सके, पढ़ सके। तो ये एक मेजर चेंज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया ही कि न्यायिक सुधार में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो न्यायिक सुधार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें कि कौन सा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं देखिए सॉरी, एक्चुअली कमेंट इतने हैं कि मैं कमेंट देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, कमेंट इतने ज़्यादा हैं कि मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी टू से, हाँ कमेंट इतने ज़्यादा हैं कि मैं इसमें नहीं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें और देख लीजिएगा, जैसे इसने और क्या कार्य किए थे, ध्यान से देख लीजिएगा कुछ बातें। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल, जैसे अगर बात किया जाए कि इसमें पॉलिटिकल क्या क्या सुधार थे, न्यायिक सुधार मैंने आपको बता ही दिया, न्यायिक सुधार इसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया कि भाई यहाँ पे क्या हो, एक सर्वोच्च न्यायालय बना देते हैं, वहां पर हमारे ही क्या होंगे, जस्टिस होंगे, और जो भी जजमेंट होगा वो क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। तो ये सुधार कौन करता है, हेस्टिंग्स करता है, ये ध्यान रखना है, ये सुधार कौन करता है, हेस्टिंग्स करता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर किसने दो और संधियां भी की, जैसे फैजाबाद की संधि और बनारस की संधि, ध्यान रखना है कौन सी संधि ये करता है, फैजाबाद की संधि और बनारस की संधि, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्या है, आपको बहुत सारे, एक मिनट रुक जाइए, मैं स्लाइड में देख लेती हूं, होगा ही उस पर लिखा हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, ये बनारस की संधि अगर देखा जाए तो इसने बनारस की संधि क्या किया था कि ये यहां पर आ जाए आप सब लोग, एक सेकेंड, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी मैं आप लोग को बता रही थी, तो इसने काम कौन सा किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इसने एस्टैब्लिश करवाया। इसके ही एफर्ट से ये एक तरह से कल्चरल चेंज जिसको आप बोलते हैं, इसमें विलियम जोन्स की भूमिका थी यहाँ पे, और इसके द्वारा क्या था, अनुदित पहली जो थी पुस्तक थी वो भगवद गीता, जो कि विल्किंसन्स के द्वारा क्या किया गया था, और दूसरी हितोपदेश थी। तो ये एक तरह से जिसको कहते हैं सांस्कृतिक पक्ष, जिसको कहा जाए किसने क्या किया यहाँ पर, कुछ चेंज लाने की कोशिश की कि भाई यहाँ की जो बुक्स हैं उसको क्या करिए आप लोग, चेंज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, ये बदनाम भी रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करें तो बड़ा फेमस एक केस हुआ था, नंद कुमार केस हुआ था, ठीक है। अब नंद कुमार कौन था भाई, तो ध्यान से देख लीजिएगा, नंद कुमार जो था ये बेसिकली मुर्शिदाबाद, चूंकि बंगाल की जो पहली जो आप जो मुर्शीद कुली खान था उसने क्या किया था, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था, लेकिन जब ये आता है तो इसने क्या किया था, कलकत्ता की राजधानी जो है उस कलकत्ता को इसने बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया था, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये जो नंद कुमार अभियोग है ये क्या था, बहुत फेमस रहा है। इसमें ये हुआ था कि इसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया, किसने, नंद कुमार ने, और कहा कि आप मीर जाफर की जो पत्नी है मुन्नी बेगम, उसके अल्पवयस्क बेटे जिसका नाम क्या है, मुबारकुद्दौला उसका नाम था, उसको संरक्षण की बनाने के लिए या देने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने घूस लिए हैं। ये आरोप लगाया नंद कुमार ने, किसने, और नंद कुमार मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन थे, भूतपूर्व, यानी कि ये पहले दीवान रह चुके थे मुर्शिदाबाद के। तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया नंद कुमार ने कि आप जो है, आप जो मीर जाफर की जो वाइफ है, विडो वाइफ है, उसके बच्चे को संरक्षण देने के लिए आपने 31 लाख रुपए लिए हैं। जब ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चली तो उसने क्या किया, तुरंत जालसाजी का मुकदमा डलवा दिया, किसके ऊपर, नंद कुमार के ऊपर, और उल्टा इसे ही क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। इसे क्या हो गया, फांसी की सजा मिली, फांसी की इसको क्या हो गया, सजा मिली, ठीक है ना। इस मुकदमे को कहा जाता है न्यायिक हत्या, यानी कि न्यायिक हत्या का मतलब ये होता है कि ये मुकदमा जो था ये एक तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स ने जानबूझकर क्या किया यहाँ पर कि नंद कुमार को फांसी की सजा दिलवाई, ये जानबूझकर किया गया था, ठीक है, ये जानबूझकर क्या किया गया था, ये काम किया गया था, जिसको न्यायिक हत्या की भी संज्ञा, यानी ये नहीं है कि वॉरेन हेस्टिंग्स सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था इसने अपने लिए भी क्या किया कि जैसे ही इसको पता चला कि इसकी जालसाजी जो नंद कुमार ने बता दिया, इसने तुरंत क्या किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि भाई ऐसा है कि ये खुद ही जालसाज है, इनके ऊपर केस किया जाए, और केस करके उसको ही फांसी की सजा दिलवा दी। यहां तक क्लियर है आप सभी को, हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप सभी को,
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यानी आप एक तरफ देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स क्या कर रहा है भाई, कि ये यहाँ पर अपनी मनमानी भी करने में पीछे नहीं है। हाँ हाँ, नंद कुमार बताया तो मैंने, भूतपूर्व दीवान, दीवान का मतलब होता है कि ये पहले दीवान रह चुके थे। ये क्या रह चुके थे? पहले दीवान रह चुके थे, और इन्होंने क्या किया था, कहा था कि भाई, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि हेस्टिंग्स जो था वो भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने क्या किया, महाभियोग लगाया। यानी हेस्टिंग्स को हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अपनी करनी की वजह से, या इन्होंने हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग देखें, हाँ, इसने इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर महाभियोग चला था। किसके ऊपर? हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर हुआ था, महाभियोग चला था, ठीक है, हाँ, महाभियोग चला था। है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो हेस्टिंग्स का काम आप देख रहे थे कि हेस्टिंग्स ने किस प्रकार से चेंज किए। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग यहां पर, देखिए, अब जैसे आपको मैंने हेस्टिंग्स बता दिया, तो एक बार मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है, स्पेशली हेस्टिंग्स का जो कुछ काम जो है, जैसे द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं समझा रही हूँ, द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। दूसरा अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली बंगाल में राजस्व बोर्ड की स्थापना, भूमि सुधार की इसने क्या की, कोशिश की, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है, उसके साथ साथ नंद कुमार का जो फेमस केस था, नंद कुमार पर जो अभियोग चला था, वो भी हेस्टिंग्स के समय पर ही हो रहा है। साथ ही में हम क्या देख रहे हैं, कल्चरल परस्पेक्टिव में देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में था, उसको क्या किया था, उसने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, बहुत फेमस रहा है। फैजाबाद और बनारस की संधि, वो भी इसी के टाइम पर हो रहा है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1780 से 84 तक चला था, वो भी इसी के समय पर हो रहा है। इसने एक काम और किया था अगर देखा जाए तो, इसने क्या किया था कि भाई अब जो है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी इसने घोषित कर दिया था, ठीक है ना, इसने कलकत्ता को क्या किया था, यहां बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया था। अब आते हैं यहां पर, देखिए, कार्नवालिस, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कार्नवालिस के ऊपर। कार्नवालिस के बारे में अगर बात करें कि भाई कार्नवालिस का कैसा रहा कार्यकाल, या कार्नवालिस ने क्या काम किए, ठीक है ना, कार्नवालिस ने किस प्रकार से काम किए, तो यहां देखिए कार्नवालिस के बारे में अगर देखा जाए तो, इसने सबसे पहले क्या देखते हैं यहां पर, इसने दासों का जो व्यापार होता था, उस टाइम पर भी क्या होता था, दासों का व्यापार होता था, उस पर इसने क्या किया, रोक लगा दिया, प्रोहिबिटेड लगा दिया कि भाई हम जो है यहां पर दासों का जो है व्यापार जो आप कर रहे हैं वो नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं, यहां पे हम लोग कार्नवालिस के कार्य को देखेंगे। पुलिस सेवा में अगर हम लोग बात करें तो भारत में माना जाता है कि कार्नवालिस ने जो पुलिस सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ रक्षा से संबंधित जो मामला, जैसे मान लीजिए सिविल, जिसको आप बोलते हैं सिविलियन पुलिस जो होती है, एक तो हो गया आर्मी हो गई जो हमारी सीमा पे जाकर क्या करते हैं, जो उस क्षेत्र को देखते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए कि लोकल स्तर पर जो हमारे आसपास में जो हमारी सुरक्षा का जो मुद्दा होता है वो स्थानीय पुलिस को होता है, तो पुलिस का जो जनक है वो माना जाता है किसको, वो कौन था, वो है आपको हेस्टिंग्स, कौन था आपको, सॉरी कार्नवालिस, वो कौन था, तो पुलिस सेवा स्पेशली कौन देख रहे हैं हम लोग, पुलिस सेवा का जन्मदाता भी इसको माना जाता है। अब आते हैं सेटलमेंट, ये ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है यहां पर, सेटलमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, तो इसने क्या किया, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था अगर आपको ध्यान होगा तो। अच्छा ये बताइए, स्थायी बंदोबस्त से क्या समझते हैं आप लोग, थोड़ा आंसर दीजिए आप सभी लोग, बराबर से पार्टिसिपेट करें तो उससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ जी बताइए आप सभी लोग, हाँ जी बताइए आप सभी लोग, मैं आप सब से क्वेश्चन पूछ रही हूं, बताइए आप सभी लोग, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। देखिए चूंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग इतना तो बेसिक्स है वो तो आप जानते ही होंगे। बताइए आप सभी लोग क्या समझते हैं स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो मैराथन लिया था उसमें ब्रिटिशर्स की
डोंट नो, सुनील कह रहे हैं कि मैम नहीं पता है, कोई बात नहीं, बताइए पहले इसमें, बताइए इसमें आप लोग सभी लोग। डोंट नो, लैंड ओनर को उनकी भूमि का स्वामी मानकर रेवेन्यू कलेक्ट करना। स्थाई बंदोबस्त में ये सिस्टम था, स्थाई बंदोबस्त में ये सिस्टम था। क्या नाम है आपका? बॉबी। हाँ जी, स्थाई बंदोबस्त क्या था? मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट, क्या था परमानेंट सेटलमेंट का मतलब? जो वहीं का प्रॉपर हो। ओके, स्थाई बंदोबस्त आप सभी लोग बताएं जरा मुझे कि स्थाई बंदोबस्त से आप लोग क्या समझते हैं। हाँ, मेरा सवाल आप सभी से है, स्थाई बंदोबस्त से क्या समझते हैं आप सभी लोग? में हम लोग स्थाई बंदोबस्त, इसको आरसी दत्त ने इसका समर्थन किया था। स्थाई बंदोबस्त क्या है? देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। परमानेंट सेटलमेंट, इसको बेसिकली कहते क्या है? परमानेंट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब ये परमानेंट सेटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त क्या था भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्थाई बंदोबस्त? देखिए, स्थाई बंदोबस्त में कॉर्नवालिस ने ये किया था, यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा। कॉर्नवालिस ने क्या किया यहां पर? जो लगान होता है, लगान यानी कि जो लैंड रेवेन्यू जो आप वसूल करते हैं, लैंड रेवेन्यू जो आप वसूल करते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? इसकी जिम्मेदारी सौंपी जमींदारों को, कि जमींदार क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे क्या आपको? लगान, ठीक है। लगान किससे वसूलेंगे? ये यहाँ के जो रैयत होते हैं उनसे ये क्या करेंगे? वसूलेंगे लगान। तो ये जिम्मेदारी किसने दे दी थी? ये जिम्मेदारी दी थी कॉर्नवालिस ने। स्थाई बंदोबस्त का मतलब ये होता है कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने, यानी इन्होंने कहा कि जो यहाँ के लैंड होल्डर्स हैं, हम उनको ही ये जमींदार ये दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि आप क्या करिए, यहाँ से जो लैंड रेवेन्यू है वो आप कलेक्ट करिए, ठीक है। और कलेक्ट करके क्या कीजिए, वो उसे आप हमें, आप यहाँ पर हमें बढ़ाइए, या फिर आपको करना है क्या कि उनसे इकट्ठा करना है और हम हमें देना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसने बंगाल में 1793 में क्या किया था? स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। इन वर्ड वर्ड वी कैन से कि जो लैंड होल्डर्स है, दे बिकेम द ओनर ऑफ, जो क्या कह सकते हैं कि उनको, यानी कि बाय ब्रिटिशर्स इन्होंने क्या किया था कि मान लिया था कि यहाँ का जो भूमि के मालिक कौन है, वो यहाँ के जमींदार हैं। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? क्लियर है ये? देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूं, इसका मतलब ये है कि इसमें हुआ क्या था, यहां पर रैयतों का यानी जो कृषक वर्ग थे उनका बड़े स्तर पर क्या होने लगा था? आर्थिक दोहन होना शुरू हो चुका था। क्यों हो चुका था भाई? क्योंकि यहाँ पर जमींदारों को कहा गया कि एनी हाउ आपको कलेक्ट करना है पैसा, लेकिन उसमें एक नियम ये भी था कि शाम होने से पहले आप क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते हैं तो आपकी जमीन हम क्या करेंगे? छीन लेंगे। ये भी इसमें प्रावधान था। अच्छा अच्छा, मैं सबके आंसर देख रही हूँ बाबा। नाराज क्यों होते हैं आप लोग? हैं सुमित, मैं नाराज क्यों होते हैं? नाराज नहीं होते हैं, जितने भी मेरे यहाँ पर स्टूडेंट हैं। देखिए, बॉबी बोल रहे कि मैम, वो जब वो जमींदार थे तो उनको मालिक कैसे मान लिया गया?
देखिए ये कह रहे हैं बॉबी का सवाल है कि मैम जब वो जमींदार थे तो उनको कैसे मान लिया गया रैयतों की, मतलब ये है कि माना गया कि जो लैंड होल्डर जैसे जमींदार जो उस गांव का है तो कहा गया कि भाई आप ही यहाँ के क्या भूमि के मालिक है, आप ही सबसे क्या करिए कलेक्ट करिए लैंड रेवेन्यू। ठीक है, रिपीट कर दूं, देखिए एक चीज समझ लीजिएगा फिर से, मैं यहाँ पर ना आप लोगों को फिर से एक बार बता ही देती हूँ, सुनिए। जो लोग नहीं थे मेरी क्लास में, पिछले वाली क्लास में, कि हम क्या देख रहे हैं, तीन व्यवस्था आई थी। कौन सी व्यवस्था आई थी? तीन व्यवस्था। एक थी आपको स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। दूसरी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो लाया गया था इन लोगों के द्वारा। और तीसरी कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी, जो कि आप पूरा ओवरऑल आप बात करें तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तीसरा कौन है? महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो देखिए रैयत व स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैम अगर आपके दिमाग में आ रहा हो मैम इन तीनों में क्या अंतर है, बेसिकली ये आते हैं आपको सेटलमेंट्स यानी बंदोबस्त इन्होंने किया था कि, और ये सेटलमेंट किस परस्पेक्टिव में था ये भी समझ लीजिए, ये था आपको लगान वसूलने के परस्पेक्टिव में, यानी कि लैंड रेवेन्यू जनरेट करने के कंटेक्स्ट में क्या था ये बनाया गया था, लगान वसूलने के लिए, ठीक है। ये किस लिए था? लगान वसूलने के लिए। यहाँ आ जाइए, स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या किया गया था, यहाँ जमींदारों को ये अधिकार दे दिया गया, जमींदारों को अधिकार दिया गया, दिया गया किस चीज का? लगान वसूलने के लिए, ठीक है। रैयतवाड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या था, देखिए लगान के बारे में अगर बात करें तो रैयतवाड़ी में क्या हो रहा है कि अब सीधे कहा गया कि अब यहाँ पर रैयत होंगे, रैयत का मतलब होता है जो कृषक थे यहाँ के, रैयत होंगे और यहाँ पर सिर्फ और अंग्रेज होंगे, यानी बीच में कोई मध्यस्थ नहीं करेगा और अंग्रेज होंगे। इसका मतलब है कि मध्यस्थता यहाँ पर जो आप जमींदार देख रहे हैं यानी अंग्रेज, यहाँ मान लीजिए अंग्रेज हो गया और यहाँ पर कौन हो गया आपको? रैयत हो गया यानी कृषक। इनके बीच की कड़ी कौन है? जमींदार है जो लगान जनरेट करेगा और अंग्रेजों को क्या करेगा? देगा। रैयतवाड़ी सिस्टम में ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ, इसमें ये हुआ कि रैयत क्या करेगा? लगान जनरेट करेगा और ये देगा किसको? ये दे देगा आपको, रैयत जो है ना अपनी लगान जो है वो सीधे किसको देगा? अंग्रेज को देगा। यानी इसमें इमीडिएटर की भूमिका समाप्त कर दी गई, क्लियर है। महालवाड़ी में ये कहा गया कि जो भी गांव का प्रमुख होगा, शायद मुझसे नहीं दिखाई दे, जो भी गांव का क्या होगा? प्रमुख होगा, यानी जैसे मान लीजिए मुखिया हो गया, कौन? जैसे मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप क्या करिए? लगान जमा करिए और फिर किसे दे दीजिए? अंग्रेज को दे दीजिए। तो महाल का मतलब बेसिकली होता है पूरा का पूरा गाँव ही, यानी गाँव का जो मेन, अब इसमें ये जिम्मेदारी दी गई मेनली गाँव ही से क्या कर लिया गया? सेटलमेंट कर लिया गया, क्लियर है। ये क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ, ये चीज मैं आपको वही कह रही हूं, तीन, इसलिए मैंने देखिए तीनों आपको बता दिया है कि क्या इसमें चेंजेस आए थे, मेजर चेंजेस क्या आए थे, हाँ क्या चेंजेस आए थे, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बता दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, ये तीनों बता दिया है कि इसमें क्या मेनली चेंजेस आए थे और क्या इसमें क्लॉज था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। हाँ, सीधे जो किसान है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, चलिए बाबा ठीक है, मैं फिर से, मैं इस तरफ आ जानी, फिलहाल जो देख रहे हैं देख लीजिए आप लोग, हाँ जो लोग भी स्लाइड देख रहे हैं एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। तीन सिस्टम आया था लैंड रेवेन्यू लगान लेने के प्रस्पेक्टिव में, ठीक है। और लगान कैसे लेना है ध्यान से सुन लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीन सिस्टम था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को ये अधिकार दे दिया गया था कि भाई आप क्या करिए? लगान वसूलिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये दिया गया था कि आप क्या करेंगे? रैयत सीधे अंग्रेजों को लगान जमा करेंगे अपना। और महालवाड़ी व्यवस्था में ये कहा गया था कि गांव के साथ ही हम बंदोबस्त कर ले रहे हैं और गांव का जो भी मुखिया या प्रधान होगा वो सबसे क्या करेगा? रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें जमा कराएगा, ठीक है, हमें जमा करवाएगा। क्लियर है ये? अब ये क्लियर है आप सभी को? प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी लोग आए हैं क्लास में। हो गया, ये समझ गए आप सभी लोग? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्नवालिस संहिता। संहिता मतलब क्या है यहां पर अगर देखा जाए तो, कार्नवालिस संहिता जो थी इसमें मेनली क्या गया गया क्या कि पावर का सेपरेशन कर दिया गया। अच्छा, आने से पहले ही लाइक कर दिया था। कहीं भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगी मैं, इतना मैं आप लोगों को इतना अपने तरफ से जरूर अश्योर करूंगी कि शाजिया मैम की क्लास में आप निराश नहीं होंगे। ठीक है ना, ये मेरा अथक प्रयास है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। और प्लीज मेरे जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट, आप सब लोग एक चीज आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा कि मेरा कोड यूज करिएगा शाजिया 10 के नाम से। मेरा प्लस कोर्स पे भी क्लास आ चुका है, जैसा मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। हाँ, प्लस कोर्स पे मेरी क्लास आ चुकी है, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। बॉबी आपका नेट हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना, आप लोग एक बार बता दीजिएगा। वॉइस क्लियर है, आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा। जितने लोग हैं क्लास में अटेंड अभी कर रहे हैं राइट नाउ, जो लोग क्लास देख रहे हैं खुश रहिए जी, खुश रहिए। ये बताइए आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? जितने लोग भी हैं, जैसे इनको बॉबी को शायद परेशानी हो रही है कि बोल रहे हैं कि मैम क्लास आवाज थोड़ी कट रही है, बाकियों को आवाज कट होती हुई सुनाई दे रही है क्या, मुझे एक बार प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मुझे एक बार प्लीज बता दीजिएगा। पुरुषोत्तम, शक्तियों का विभाजन। हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है, ओके ओके। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि कार्नवालिस का जो संहिता है, यानी कार्नवालिस कोड इसको बोला जाता है। इसको बोला क्या जाता है, बेसिकली कोड भी इसको कहा जाता है, कार्नवालिस कोड। संहिता को कोड भी कहा जाता है, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्नवालिस कोड। अब इसमें किया क्या गया था, इसमें ये किया गया कि शक्तियों का पृथककरण, पृथककरण का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी एक साथ हम जो एक कार्य, यहां पर देखिए समझिएगा, इसमें यह हुआ कि इसने कर और न्याय प्रशासन को क्या किया, अलग कर दिया। अब यहां पर मैं आप लोगों को समझा भी दे रही हूं, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली कार्नवालिस कोड है क्या। अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं कार्नवालिस, नाम देखिए इसका कई जगह इस तरह से भी लिखाता है, अब डिपेंड करता है, कोई उतना बहुत प्रॉब्लम नहीं है, कार्नवालिस कोड। ठीक है ना, ये कार्नवालिस संहिता है बेसिकली, कार्नवालिस संहिता। ठीक है, अब इसमें प्रोविजंस के बारे में बात करें। देखिए, पहले क्या था कि एक ही साथ में रेवेन्यू बोर्ड और जो है आपको न्यायिक व्यवस्था दोनों एक साथ काम कर रहा था पहले, यानी इसके पहले की जो व्यवस्था थी ये समझ लीजिएगा। पहले में क्या था, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड, जो राजस्व बोर्ड है या फिर जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, ये दोनों मिलकर काम करती थी, यानी कि ये क्या थे, अटैच थे, अटैच थे। लेकिन जब कार्नवालिस कोड ये लेकर आता है तो इसने क्या किया, सीधा सीधे इसने ये कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम शक्तियों का पृथककरण कर देंगे। शक्तियों का पृथककरण कर देंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पर इसने क्या किया, कर तथा न्याय प्रशासन को, यानी यहां पर कर हो गया यानी टैक्स, जो भी टैक्सेशन सिस्टम है टैक्स, और यहां पर क्या है भाई आपको, न्याय प्रशासन यानी कि जुडिशियरी सिस्टम, जो जुडिशियरी सिस्टम है इसको इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया। क्या किया इसने, इसको सेपरेट कर दिया यानी पृथक कर दिया, पृथक कर दिया। तो यही बेसिकली क्या होता है, यानी अब क्या था, अब एक साथ दोनों मिले जुले हुए नहीं है, अब दोनों को इसने क्या किया, अलग कर दिया। और यही बेसिकली क्या कहलाता है आपको, कार्नवालिस कोड, जिसमें कि हमने कर व्यवस्था का जो सिस्टम था उसको अलग किया किससे, हाँ जी, इसको इसने क्या किया, अलग कर दिया कि आपका जुडिशियल सिस्टम अलग होगा। सुमित, मैं आपका ना उस टाइम कमेंट नहीं देख पाई थी, सुमित क्या पूछ रहे थे आप। हाँ, इसी को कहा जाता है क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर कह लीजिए या शक्तियों का पृथककरण, क्योंकि दोनों शक्तियां एक साथ क्या थी, कंबाइन थी, जिसको इसने क्या किया, एक तरह से बांट दिया, अलग अलग बांट दिया। ये क्लियर है आप सभी का? विक्की उड़ क्यों रहे हैं हाँ,
ठीक है, इसने क्या किया, सेपरेशन कर दिया, दोनों को अलग अलग बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब इसका लास्ट देख लीजिएगा, इसकी समाधि के बारे में बात करें तो ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका समाधि भारत के में गाजीपुर में है। वेयर इज गाजीपुर, जल्दी आंसर दीजिए, गाजीपुर कहाँ है, फटाफट बताइए आप लोग, वेयर इज गाजीपुर, गाजीपुर भारत में कहां पर है? इतने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी नहीं, मैं एक्चुअली पढ़ाने के दौरान, क्या नाम है, आईएएस एस्पिरेंट, सॉरी मैंने आपका अपना नाम बता दीजिए, बॉबी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ईस्ट में है, चलिए मैं सबका नाम ले लेती हूँ, सौरभ कह रहे हैं मैम यूपी में है, आजमी कह रहे हैं कि मैम यूपी में है, बॉबी कह रहे हैं मैम वाराणसी में है, विक्की कह रहे हैं कि अच्छा पावर ऑफ डिफेंस, अच्छा यूपी में है मैम, ये कह रहे हैं, विक्की भी कह रहे हैं कि मैम यूपी में है। गाजीपुर नहीं सुना है क्या आप सब ने? गाजियाबाद सुना है लगता है, गाजीपुर नहीं सुने हैं आप लोग। अच्छा हाँ जी, मैं सभी लोगों से वही पूछ रही हूँ कि सभी लोग बताइएगा कि कहाँ है गाजीपुर। यस, मेरे बनारस के बगल में, अरे वाह, देखिए इसको कहते हैं अपने शहर से लगाओ, है ना, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, अपने शहर से लगाओ। ठीक है, तो बनारस के बगल में जो लोग कह रहे हैं कि मैम वहां पर है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ गाजीपुर मैं इसलिए आप लोगों से बोल रही थी, ये गाजीपुर जो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यही एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी समाधि यानी जिसका जिसकी ग्रेवयार्ड अगर हम लोग बात करें तो वो कहां पर है, वो है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आ जाइए यहां पे, अब आते हैं सर जॉन शोर, इनका नाम क्या था भाई, जॉन शोर। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया है, यूपी में है गाजीपुर, सभी के सभी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, गाजीपुर कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने मैसूर के प्रति, क्योंकि चल क्या रहा था इस टाइम पे, आपको ध्यान होगा कि ऑलरेडी मैसूर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसने ये कहा कि भाई मैं मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाऊंगा। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब ये होता है कि आई एम गोइंग टू नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ मैसूर कॉन्फ्लिक्ट, या मैसूर से जो भी हमारा डिस्प्यूट है हम उसमें कहीं भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। और जॉन शोर ने ही क्या किया था, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था, इसकी भूमिका ज्यादा नहीं है, यहीं तक है। अगर कभी क्वेश्चन आपका आ भी जाता है कि कार्नवालिस के बाद, या मुझसे पूछ रहे हैं सौरभ कि मैम आपको सबसे अच्छा गवर्नर कौन लगता है, चलिए पहले पूरा पढ़ा देती हूं फिर मैं बता दूंगी आप लोगों को, पहले पूरा पढ़ा देती हूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, हाँ मैं पूरा पढ़ा दूं फिर मैं हम लोग क्या करते हैं यहां पर आपको पूरा बता दूंगी कि क्या है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है। ये तो आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये कोई हीरोइक पर्सनालिटी है, मैम आप बताइए कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछे, अब देखिए इतना सारा अभी स्टूडेंट के इसमें वो आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कैसे इसका जवाब दे पाऊंगी भाई, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कि आपके, तब तक मैं एक चीज, आप लोग थोड़ा टेक्निकल चीजों को नहीं समझते। देखिए है क्या कि जो स्क्रीन होता है जिसपे आप लोग के चैट्स आते रहते हैं, तो जितना आप ज्यादा आप लोग चैट लिखते हैं ना, तो वो सारे के सारे चैट ऊपर चले जाते हैं लगातार, तो ये एक टेक्निकल दिक्कत होती है बच्चे, इसको आप लोग थोड़ा सा, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, है ना, इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करिए, कंसीडर करिएगा आप लोग, जो भी लोग हैं, क्या नाम है इनका, किसका, कौन कह रहे थे कि मैम आपने नहीं देखा है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ठीक है सौरभ, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा मैं इसका जवाब दे दूंगी, मैं जवाब दे दूंगी, पहले पूरा कंप्लीट तो हो जाए फिर मैं आपको जवाब दे दूंगी ना। अच्छा, आपका नाम उदय प्रताप है, उदय आप समझ रहे हैं, देखिए कमेंट में जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाते हैं तो होता क्या कि ऊपर का चैट निकल जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता और वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं कि मैं जाके पीछे देख पाऊँ। आप लोग देखिए, जो लोग यहाँ पर है ना मेरी क्लास में, क्लास को और जैसे आप लोग मुझसे पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास में मेरे आइए आप सभी लोग, वहाँ पर बहुत इत्मीनान से, वहाँ पे होता है क्या कि आराम से आपके सारे चैट भी मुझे दिखते हैं, वहाँ मैं उसको देख भी पाती हूँ, तो आप लोग वहाँ आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा देखिएगा है, मेरा स्पेशल क्लास का लिंक दिया हुआ, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मुझे फॉलो करिए, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए वेलेसली के बारे में आते हैं, नाउ कम टू द वेलेसली। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, लॉर्ड वेलेसली के बारे में। इसके बारे में देखिए अगर देखा जाए, यानी इसके टाइम पर इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोग अगर देखा जाए, तो इसने किया क्या था, इसने यहां पर किया सहायक संधि का जनक इसको माना जाता है। अब देखिए सहायक संधि के मामले में अगर हम लोग देखा जाए, इसके इसके पीछे के दो चीजें यहां पर क्या थी, हाँ इसके पीछे क्या है, यहाँ पर दो बातें यहाँ पर क्या हो रही हैं, काम कर रही हैं। सबसे पहला तो इसका ये था, इसके माइंड में चल रहा था कि हम लोगों को सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स क्या करना है, इस्टेब्लिश्ड करना है, यानी अंग्रेजों की सर्वेष्ठता सर्वोच्चता हमें यहाँ पर है ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये चाहता क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्सों की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित करना। और इसी वजह से वेलेसली ने क्या किया था यहाँ पर सहाय, और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना, दिस इज द टारगेट ऑफ लॉर्ड वेलेसली। सो दैट उसने क्या किया कि वो क्या लेकर के आता है, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। सहायक संधि को स्टूडेंट इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, इसको क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। अब यहां पर देखिए है क्या, यहां आपको कुछ बातें समझ लेनी है कि जो भी व्यक्ति सहायक संधि यानी जो भी स्टेट या जो भी राज्य सब्सिडरी अलायंस अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका ड्रॉबैक ये होता था कि फिर उन राज्यों के वैदेशिक संबंध जो है वो अंग्रेजी के राज्य के अधीन हो जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने आपसे सब्सिडरी संधि यानी सब्सिडरी अलायंस किया, सहायक संधि किया, फिर आप किसी दूसरे से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप फिर या वैदेशिक संबंध आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये सहायक संधि में एक क्लॉज था, ठीक है। और उसके अलावा ये था कि भाई लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये नाम मात्र का था। मैं यहाँ पर क्लियर बता दूं कि ये क्या है, ये नाम मात्र का है, ये सिर्फ वो था कि भाई हमने क्लॉज डाल दिया, बट इसके बाद ये यहाँ पर ये था कि अगर आप सहायक संधि हमसे कर लेते हैं तो अगर इफ यू एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स देन वी आर नॉट गोइंग टू हार्म यू, हम आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, इनफैक्ट हम लोग आपको हमेशा प्रोटेक्शन या संरक्षण देंगे, ठीक है। हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन या संरक्षण देंगे, ये कौन करता है, इसमें सहायक संधि का एक क्लॉज था। सहायक संधि के देखिए ये आपको क्या करना होगा, ये तो आपको याद करना होगा कि भाई कौन कौन से स्टेट है जिसने सहायक संधि जिसने एक्सेप्ट किया था, तो ये दीज आर द स्टेट जिन्होंने क्या किया था, सहायक संधि यहां पर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ बातें और देख लीजिएगा, वेलेसली ने नागरिक सेवाओं, नागरिक सेवाओं का मतलब ये होता है, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या था कि इसने ICS जो होता था यानी इंपीरियल जो वहाँ पे उस टाइम पे सिविल सर्विसेज जिसको कहा जाता है कि ये जो एग्जाम होता था, तो इसमें इसने क्या किया कि 1800 ईस्वी में इसने क्या किया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना करवाई। स्पेशली आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि बंगाल में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था यानी जो फोर्ट विलियम था इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था फोर्ट विलियम का, इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो भी अंग्रेज अधिकारी यानी वैसे जो भी अंग्रेज अधिकारी यहाँ पहुँचते थे, अंग्रेज अधिकारी उनका जो ट्रेनिंग सेंटर आप कह लीजिए ये था, उनका क्या था यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इनका क्या था ट्रेनिंग सेंटर, उनको यहाँ पर क्या किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था यहाँ पर कि आप आइएगा तो आपको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, ये कौन करता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेलेसली के बारे में हम लोग एक बात करें, ठीक है, कुछ बातें जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ही तो यहाँ पर क्या था कि स्पेशली जो है वेलेसली के टाइम का आपको मेन, देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि हु वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने की सहायक संधि स्वीकार की थी, दैट वॉज हैदराबाद, उसने क्या किया था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखते हैं कि ये संधि को एक्सेप्ट करने वाला राज्य हैदराबाद था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर कि वेलेसली का जो मेन आप देख रहे हैं दैट इज सहायक संधि, एक मिनट सर समझिए, अब आपको इसको मैं इस वे में समझा देती हूं, दैट इज कि सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है, इसका जो लाभ हुआ, लाभ इन द सेंस कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ये अलायंस से, इस अलायंस से
क्या बेनिफिट हुआ। देखिए इस अलाइंस से सबसे पहले अंग्रेजों को आपको देखना है लाभ, अंग्रेजों को किस प्रकार का लाभ हुआ, अंग्रेजों को किस प्रकार का क्या हुआ, लाभ हुआ, किस प्रकार का लाभ हुआ। अब लाभ के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जिस स्टेट से ये सहायक संधि कर रहे हैं उसके सभी वैदेशिक मामले इनके हाथ में आ चुके थे। तो यानी जिससे भी ये संधि करने वाले राज्य के समझ लीजिए कि प्रमुख लगभग यही हो चुके हैं, राज्य के जो वैदेशिक मामले जितने थे, वैदेशिक मामले ये इनके हाथ में आ चुके हैं, मामले इनके पास आ गए, ठीक है ना, इनके पास आ गए। अब जैसे सपोज दैट, एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेट है, इसका किससे बहुत अच्छा है, जैसे किसी अन्य स्टेट से इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, दूसरे राज्य से, लेकिन इस ये जो अन्य स्टेट्स है इससे अंग्रेजों का अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इनके टर्म्स, अंग्रेजों के टर्म्स इससे अच्छे नहीं है। जब अंग्रेजों ने इनके साथ सहायक संधि की, क्या की, जब अंग्रेजों ने इनके साथ सहायक संधि की तो हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये जो व्यक्ति यानी ये जो स्टेट है जिनका इनसे जो है संबंध जो है अच्छा है दूसरे वाले स्टेट से, तो अब वो क्या गया कि यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया कि इनका इनसे क्या होगा, टाई अप हो गया, और इनको जिससे इनका अच्छा नहीं है उसको इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाकर इन्हें बाहर कर दिया या फिर इनको कमजोर कर दिया। तो बेसिकली सहायक संधि, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वेलेजली का ये पर्पस यही था कि एनी हाउ हम क्या करें, अपनी स्थिति भारत में मजबूत कर लें, फ्रांसीसियों का जो डर है वो समाप्त हो जाए, ठीक है, और उसके अलावा जो है इनफैक्ट फ्रांसीसियों की जगह पर क्या हो, हम ही यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएं। ये वेलेजली का ये क्या था, आपको यहाँ पर मेन पर्पस था। अब आ जाइए यहाँ पे सर जॉन जॉर्ज बार्लो, इनका नाम क्या है, सर जॉर्ज बार्लो इनका नाम है। वेलेजली के बाद अगर हम लोग देखें तो जॉर्ज बार्लो के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड अगर देखा जाए कि सर जॉर्ज बार्लो जो है इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, ठीक है, कब से कब तक रहा यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को ओवरऑल फिर क्या करूँगी कि एक बार 1805 से लेकर के 7 तक थे, ये कब तक थे, 1805 से लेकर के 7 तक थे, इट मीन्स जो इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1805 टू 1807। क्लियर कट इनके बारे में था, इन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी रियासत के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इट मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू, जो हम जो है यहाँ पर, हाँ हम यहाँ पर किसी भी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इनका क्लियर कट ये कहना था कि भाई हम जो है यहाँ पर हम अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, इट मीन्स कि हम यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस जो होता है कि हम क्या है वो पॉलिसी यहाँ पर अपनाने वाले हैं, ठीक है। और इसका इन्होंने क्या किया कि बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया, किसने, सर जॉर्ज बार्लो ने कहा कि भाई हम यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का, हम जो भी इनके यहाँ के जो रियासत हैं, जो भी स्टेट हैं या किंगडम्स हैं, हम उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले। हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ, 1857 का जो रिवोल्ट होता है, आप सभी लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था, ये मैंने आप लोग को बताया भी है, माई क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, वेन वॉज वेल्लूर रिवोल्ट जो हैपेंड, कब हुआ था ये बताइए ज़रा, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था, हाँ जी बताइए जरा जल्दी फटाफट, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था जल्दी बताइए, हाँ जी जल्दी बताइए वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, वेल्लूर विद्रोह कब हुआ था। रंजीत कह रहे हैं कि मैम 1807 में हुआ था, ओके अठारह में हुआ था, बॉबी कह रहे हैं 1861 में, विजय कह रहे हैं, भाई आप लोगों तो डेट एकदम यहां से वहां ले जा रहे हैं, कुछ तो 1857 के बाद भी वेल्लूर विद्रोह ले जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप सब, इतना बड़ा मिस्टेक, हाँ इतना बड़ा मिस्टेक, दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज ब्लंडर, 1857 के बाद वेल्लूर विद्रोह बता रहे हैं कुछ लोग,
ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं आप सबको बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोग भी गलत बता रहे हैं। एकदम डेट यहां भी नहीं उठा करके पता नहीं कहाँ ले गए ये। हाँ, डेट यहां भी नहीं, डेट पता नहीं यहां से उठा करके कहाँ ले गए। सवाल पूछा था मैंने सुरुचि कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, मेरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से है कि मैंने पूछा है कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है। नीरज अभी भी गलत है आपका आंसर। श्योरली 1807, विजय कह रहे हैं कि मैम श्योरली आई एम डैम श्योर दैट 1807 इज द टाइम पीरियड ऑफ वेल्लोर रिवोल्ट। अच्छा जी, अच्छा 1800, ये देखिए यहाँ एक मनोज है, मनोज इन्होंने इतना स्मार्टली आंसर दिया है कि मैम 1805 से 7 के बीच में वेल्लोर विद्रोह होगा। सीरियसली दिस इज वन ऑफ द स्मार्ट, मतलब बहुत ही स्मार्टली तरीके से मनोज आपने आंसर दिया है कि भाई अब आप समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा तिथि होगा। क्या मनोज, एम आई राइट? ये इसको कहते हैं एक बहुत ही बीच का रास्ता अपनाना और स्मार्टली हैंडल करना, नो डाउट, मतलब बहुत ही बेहतर था ये आंसर कि मैम अब इसमें से समझ लीजिए 1805 से 7 का मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप पिक कर लीजिए कि इसमें से कौन सा विद्रोह, कौन सा टाइमिंग है। हाँ, ये मतलब एक तरह से ये क्या है, अब लगभग लगभग सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, अब राइट नाउ धीरे धीरे अब सब का आंसर क्या हो रहा है यहां पर, धीरे धीरे सही हो रहा है। नहीं, मैं वही बात है कि थोड़ा सा क्या है कि एग्जैक्टली अगर कुछ पूछा जाए ना, अब देखिए अब इनका आंसर चेंज हुआ है, अब वो 1805 से 7 तक में इनका आंसर चला गया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए इसी बहाने थोड़ा सा क्लास में क्या कहते हैं मूड सबका थोड़ा लाइट होने का मौका मिल गया। अब देखिए अवनीश यहाँ पर, मतलब इसको कहते हैं, सही कहा जाता है कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी होते हैं ना वो प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और उनके पास हर प्रश्नों का उत्तर होता है घुमा के, नचा के या सीधे सीधे, मतलब वो अगर उनको नहीं भी आता है ना देन वो कभी भी नहीं कहेंगे कि इधर है, वो कहीं ना कहीं से उत्तर तक पहुंचा देंगे आपको और कहेंगे कि मैम ये आंसर है, सर दिस इज द आंसर, मुझे नहीं लगता कि आई वॉज रॉन्ग। अब देखिए अवनीश ने सीधा कहा मैम स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, सीरियसली अल्टीमेट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, एकदम अल्टीमेट, मतलब वाकई में ये, मैं आपको सच बताऊं ये भी एक तरह से कहा जाए कि ये बेसिकली यूपीएससी के जो परीक्षार्थी होते हैं ना, जो भी एस्पिरेंट होते हैं, उन एस्पिरेंट की ये पहचान होती है कि वो अपने जवाब को वो क्या करते हैं, जैसे आप जाएंगे इंटरव्यू में आपसे इस तरह के जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब ये ठीक है कि इस तरह से क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं। चलिए ये अच्छा है, नहीं अच्छा है और सबने अपने अपने तरीके से आंसर दिया। द करेक्ट आंसर इज वेल्लोर रिवोल्ट जो होता है दैट इज 1806, ठीक है, 1806 में यहां पर हुआ था। हाँ, यहां पर क्या है 1806 में हुआ था। हाँ, 1806 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये विद्रोह हुआ था और 1857 के रिवोल्ट की पूर्व भूमिका अगर आप बात करेंगे या पूर्व पीठिका अगर आप बात करेंगे तो उसी रिवोल्ट में ये क्या होता है, काउंट होता है, यानी इसकी शुरुआत हुई थी भारत में सैन्य विद्रोह की, मिलिट्री रिवोल्ट की शुरुआत हम लोग क्या देखते हैं, कब से देखते हैं, फ्रॉम वेल्लोर रिवोल्ट, वेल्लोर रिवोल्ट से क्या होता है यहाँ पे शुरुआत होती है। और इसके यानी लॉर्ड मिंटो के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रणजीत सिंह जो थे उनके साथ में 1809 में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी और इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, साइन किया था, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, साइन किया था। अब देखिए अब आपको यहां पर मैं थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगी, ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगी यहां पर हेस्टिंग्स के बारे में, जब हम लोग आते हैं व्हेन वी आर कम टू द हेस्टिंग्स, तो हेस्टिंग्स जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है, तो ये जो हेस्टिंग्स है यहां पर, अब देखिए एक चीज मैं बता रही हूं, आप इतिहास में जो लिखा गया उसे चेंज नहीं कर सकते ना,
जो इतिहास में जो बातें कही गई हैं वही बातें हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, देखिए मैं आप लोग से एक चीज़ और बता रही हूँ कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अहस्तक्षेप की नीति का इसने परित्याग कर दिया था, तो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप सभी लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पर। ठीक है बॉबी, लेकिन आपसे मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर जो है इतिहास में जो लिखा है जो बातें हैं मैं बताऊंगी तो वैसे ही ना, ठीक है, आपको उस तरह से ही तो पढ़ना पड़ेगा, जो जो भी चीज़ें हैं वो बात तो देखनी पड़ेगी। पसंद तो कोई नहीं करता इन्हें, लेकिन अभी क्या है कि चूंकि गवर्नर जनरल वायसराय इनका काम आपके बारे में पूछ देता है, तो अब इसमें मैं भी अब क्या करूं बताइए, मैं तो नाम तो ले ही रही हूं हेस्टिंग्स, अब क्या करूं। अब देखिए मैं टीचर हूं, मैं शिक्षिका हूं, ये कोई वो नहीं है कि मैं ग्रुप में बैठी हूं और जो तरीका है वो उसी तरीके से मैं उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगी ना, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, वो जो एक तरीका होता है पढ़ाना तो पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, और लोग आपस में बातचीत करना, दोनों में अंतर होता है। चलिए यहाँ पर आ जाए, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कि अहस्तक्षेप, ध्यान रखिएगा अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, और इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाइएगा बॉबी, आप लोगों से सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ जी हेमंत मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इतने सारे फ्लावर्स, अरे बाप रे बाप, इतने सारे फ्लावर। चलिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये अपनाया गया था। किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये अपनाया गया था, बताइए, अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था। हाँ, सिपाही विद्रोह जो है ना मनोज, वो शुरुआत हुआ था वेल्लोर विद्रोह से ही। पहला विद्रोह जो सिपाहियों के द्वारा, भारतीय सिपाहियों के द्वारा जो पहली बार जो ऑब्जेक्शन किया गया था और विद्रोह किया गया था, हाँ, उसके बाद फिर बर्मा में विद्रोह होता है। हाँ जल्दी बताइए आप लोगों को, मैंने अभी बताया था आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है इसमें एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये मैं क्यों बैक में गई हूं जाकर के पूछ रही हूं आपसे, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है, ठीक है, इसके पीछे का क्या है, कारण है, जिसके कारण मैं आपको क्या कर रही हूं यहां पर ये चीजें बता रही हूं। हाँ ये ध्यान रखना आपको कि मैंने क्यों ये बात कही थी। अब देखिए ये सर जॉन जो भी है इसका नाम क्या था कि जॉन शोर, किसने किसके द्वारा, जॉन शोर, सर जॉन शोर नाम था इनका, जॉन शोर, इसके द्वारा क्या अपनाया गया था, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, अब जो है, हाँ सर जॉन शोर जो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि इसके द्वारा क्या किया गया था, यहां पर ये नीति अपनाई गई थी, ठीक है, ये नीति क्या गई थी, अपनाई गई थी। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर इसने देखिए अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात करें, इसने सीधा सीधी कहा कि भाई हम अहस्तक्षेप की जो नीति है हम उसको अब हटा रहे हैं, अब ये नीति फॉलो नहीं की जाएगी, इट मींस वी आर गोइंग टू इंटरफेरेंस इन द मैटर्स ऑफ जो यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो किंगडम्स हैं, अब यहाँ के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप करेंगे। जैसे एक तरह से समझिए खुली चुनौती कि भाई अब जो है हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अब छोड़ देंगे, हमें क्या करना है, हमें अब हस्तक्षेप करना है। अब इसके काल की कुछ प्रमुख घटनाएं देख लीजिएगा, क्या क्या हुआ था इसके टाइम पर, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी थी वो देख लीजिएगा। जैसे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है, किसके टाइम पर, हम लोग देख रहे हैं हेस्टिंग्स के टाइम पर, ठीक है, और संगोली की संधि हो रही है 1816 में, उसमें ही ये हुआ था कि कुछ क्षेत्र जो है उसमें ये क्या हुआ था कि यहाँ पे इस संधि के अनुसार, यानी जो ट्रीटी की गई इसमें कुछ क्षेत्र यहाँ पर आ जाते हैं, और ये बेसिकली आंग्ल और उसके अलावा पिंडारियों का दमन होता है। ये जब आप लोग टॉपिक जब आइएगा तब उसमें हम लोग पढ़ा जाएगा, इसमें ये कुछ कुछ चीज़ें आप बस जान लीजिएगा कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या करना है, जान लेना है कि इसमें क्या है, यहाँ पे हुआ क्या था।
हेस्टिंग्स के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको मैं अब इसमें बता देती हूँ, अपने शब्दों में मैं बता देती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा कि मैं अपने शब्दों में बता दूँ कि हेस्टिंग्स के टाइम पर जो चेंजेस, यानी आपने देखा लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर अगर बात किया जाए कि कौन कौन से मुख्य बदलाव हम लोग देखते हैं, ये अगर हम लोग बात करें व्हाट वाज द मेजर चेंजेस इसके टाइम पर अगर हो रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, यानी 1813 से मैंने बताया है 23 तक इसका टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इसने किया क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, यहाँ वॉर बहुत हुआ है इसके टाइम पर, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो वॉर बहुत हो रहा है, यानी युद्ध कर रहा है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने पहले ही क्या अनाउंसमेंट किया है कि हम अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर रहे हैं, अहस्तक्षेप की नीति का हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो इस बीच में इसने क्या किया कि कुछ काम जो इसने किए, जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो एंग्लो नेपाल वॉर हो रहा है 1814 से 16 के बीच में, 1816 में संगोली में, बोल दे रही हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा, संगोली की संधि हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो है उसमें आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मराठा वॉर हो रहा है 1817 से 90 के बीच में, और उसके अलावा मेन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी जो कि 1818 में इसने क्या किया था, इसके टाइम पर ही इसने क्या किया था, उसकी स्थापना हुई है। पिंडारियों का दमन हुआ है इसी टाइम पे 1817 से 18 के बीच में, सिंधिया जो हैं उनके साथ संधि होती है इसी टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, और मद्रास का जो गवर्नर था थॉमस मुंड्रो, उसने इस टाइम पर क्या किया था 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था वो, ये ध्यान रखिएगा 1820 में हम लोग क्या देख रहे हैं थॉमस मुंड्रो के द्वारा, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा क्या किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया। तो ओवरऑल देखिए मैं आपसे बताऊं, बाकी चीज़ें तो आपको मैं पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा इस फॉर्मेट में, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या हुआ लाया गया। ओवरऑल अगर हम देखें लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल तो ये लगातार क्या रहा है, यहाँ के आंतरिक मामलों में इसका हस्तक्षेप ज़्यादा था या कम था, जल्दी बताइए आंसर। हाँ जी, युद्ध करके साम्राज्य विस्तार, सिंपल सा अगर आपको बात करें तो उसने क्या किया था, युद्ध करके क्या करना था, युद्ध से साम्राज्य विस्तार, युद्ध से इसने क्या किया है, साम्राज्य विस्तार, यानी जो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, युद्ध करके इसने क्या किया, देखिए वो जब उस टॉपिक पर हम लोग आएंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगी। नॉर्मली अगर हेस्टिंग्स के टाइम पर आप देखिएगा तो काफ़ी डिस्टरबेंस रहा, लगातार इसने क्या किया है कुछ ना कुछ, जैसे वॉर हो रहा है यहाँ पर, लगातार वॉर कर रहा है, यहाँ के इंटरनल मैटर में ये क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। तो हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल आप देख रहे हैं 1813 से 23 तक का, ये बहुत ही क्या रहा, कोलाहल जिसको कह लीजिए, या लगातार भारत में क्या रहा, डिस्टर्बेंस बना ही रहा। हाँ जी मुझे ये बताइए कि इसके इसका जो टाइम पीरियड है, यानी आपने जो देखा ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आपको क्या लगा इसके बारे में, आपको क्या लगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी इसने सीधा इसने चूंकि आते के साथ इसने घोषणा किया ना कि मैं फॉलो नहीं करने वाला हूं, मैं इंटरफेरेंस करूंगा, नहीं होता मैं इंटरफेरेंस करूंगा, मैं हस्तक्षेप करूंगा, क्लियर कट हेस्टिंग्स ने ये बात कह दी कि भाई मैं इंटरफेरेंस करूंगा। जितने लोग भी क्लास में हैं प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो ये प्लीज़ कर दीजिएगा। देखिए है क्या कि अभी अब समझिए आप लोग, अगर देखा जाए, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि 1757 से लेके, ठीक है ना, टिल जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाती है 15 अगस्त 1947 तक, हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल दिखता है। तो लगभग 1757 से 1857 कितना होगा, 100 साल, और 1857 से 1947 तक आते हैं तो लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए कि हम लोग क्या देखते हैं कि इतना बड़ा जो शासन काल रहा ब्रिटिशर्स का, तो गवर्नर जनरल और वायसराय ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा है तो थोड़ा सा पॉलिसी इनके बारे में क्या करना, थोड़ा पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इनके बारे में समझना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे आप देखिए, मैं आप लोगों को बात करूँ कि अगर आपको लग रहा होगा कि मैम अगर इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कट एक बात बताती हूँ, टिल 1757 से लेकर के, यानी बैटल ऑफ प्लासी से टिल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिल जाती है, यानी कि 15 अगस्त 1947 जब तक हम स्वतंत्र घोषित नहीं हो जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये पूरे इतने लंबे टाइम पीरियड में अलग अलग क्या है भाई, अलग अलग गवर्नर जनरल हैं,
अलग अलग गवर्नर जनरल हैं और अलग अलग कौन है यहाँ पर वायसराय हैं, तो एक लंबा समय है ना ये, 1757 से 1857 ही ले लीजिए, 100 साल तो यहीं आपका होगा, इसके बाद आगे बढ़ जाइए, तो एक लंबा टाइम पीरियड है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि टॉपिक आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा क्या है फेज है, मैं आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा फेज है और इस फेज को ये तो कहिए कि अच्छा है कि मैराथन है, तो मैराथन में क्या होता है कि थोड़ा चीज़ें आपकी जल्दी कवर हो जाती हैं और बड़ा लेंदी और हेक्टिक टॉपिक भी क्या हो जाता है आपका कवर हो जाता है। क्लास आप लोग को समझ में आ रही है, मुझे भी देखिए थोड़ा सा क्या है कि मैं भी लगातार बोल रही हूँ 2 बजे से, तो थोड़ा मुझे भी आप लोग क्या करिए कि सपोर्ट करेंगे, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना आप सभी को, मैं अभी नहीं जा रही हूँ भाई, अभी नहीं जा रही हूँ जब तक कि मैं पूरा गवर्नर जनरल करा नहीं दूंगी, अभी मैं गवर्नर जनरल अभी हुआ कहाँ है, अभी गवर्नर जनरल हुआ कहाँ है, अभी तो मैं फाइनल जब तक आज हो नहीं जाएगा मैं तब तक जाऊंगी नहीं, ये मैराथन क्लास है मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ, ये मैराथन क्लास है मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि जब तक नहीं कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ये वही बात है। हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि हमें भी एनर्जी मिल जाएगी ना, मैं भी तो लगातार उस टाइम से बोल रही हूँ, तो थोड़ा अगर आपका सपोर्ट अगर होगा, आप लोग क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी क्या होगा, कोई बात नहीं है काजल, कोई बात नहीं, क्लास मेरी डेली 3 बजे होती है, आप लोग उसमें आए तो आप लोग को क्या होगा कि, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, कल जो मेरी 3 बजे वाली क्लास है उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग का मैंने सेशन रखा है, और परसों वाली जो मेरी क्लास है सॉरी कल 12 बजे वाली क्लास में आर्ट एंड कल्चर का आंसर राइटिंग कैसे लिखना है वो रखा है मैंने। अच्छा आप लोग भी कुछ बताने का मौका चाहते हैं, चलिए चलिए सब ठीक है, आप लोगों को अगर ये है तो लेकिन ये क्या है ना है क्या समझिए, मैं क्वेश्चन चलिए मैं क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, यस 5 PM तक ये क्लास चलेगी, 1 घंटे अभी 4 बज चुके हैं, 1 घंटा और रह गया, 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा मैं यहाँ पे फिनिश करा दूंगी, क्योंकि हाउ इज द जोश गाइज, हाँ सही बात है हाउ इज द जोश, हाँ टीपी, अच्छा क्या बात है, मतलब ये कहते हैं ना इससे हमें बहुत क्या होता है बल मिलता है कि भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीरियसली वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, 1 सेकेंड बस मुझे दीजिएगा, 1 सेकेंड, मैं तो खाना भी नहीं खाई हूँ, ओ हो खाना खा, हाँ आज आज सबके सब कहेंगे कि मैम आज, को 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, चलिए ठीक है एक काम करते हैं, एक मिनट तो एक काम करते हैं ना, 1857 तक आ जाते हैं फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जिससे हम लोग क्या होगा 100 साल हम लोग पढ़ चुके होंगे, क्लियर है ये, मैं 1857 पर आकर के क्वेश्चन पूछूं अगर कोई दिक्कत ना हो तो, उससे हो जाएगा कि हम लोग 1757 से 1857 तक का 100 साल तक का हम लोगों ने सफर पूरा कर लिया, तो हम लोग वहां पर क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, ठीक रहेगा, इज इट ओके, इज इट ओके, हाँ जी जल्दी बताइए फटाफट बता दीजिए, ठीक है 100 साल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, हाँ हम लोग 100 साल कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज ये लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसको एमहर्स्ट बोलते थे, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला था ये, और इसी के समय पर हम लोग क्या देख रहे हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध का जब समापन हुआ तो 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि हुई थी, ठीक है ना, क्या हुआ था यांडबू की संधि थी लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर, तो आपको ध्यान रखना है ये कि मुगल सम्राट अकबर सेकंड जो है, या एक चीज और है, राजा राम मोहन रॉय के समय की भी बात है ये,
क्योंकि अकबर सेकंड ने ही भेजा था राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन कि आप जा करके हमारे पेंशन के बारे में बात कीजिए, ठीक है ना, पेंशन हमारे बढ़ाने के लिए बात कीजिए, जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय जो है वो कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे। तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के मामले में आपने देख लिया। यहाँ पर इसके समय पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे बैरकपुर की छावनी में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था और सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार किया गया था। यानी इस टाइम भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैन्य विद्रोह, जो 1857 का आपने रिवोल्ट देखा है उसके पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिवोल्ट आप लोग को पहले से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिवोल्ट हम लोगों को पहले से, एक मिनट बेंटिक का यहाँ पर वो गड़बड़ हो गया, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइएगा, बेंटिक का मेन स्लाइड जो है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। ये आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्या है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ध्यान रखना है, ये किसके बारे में बात हो रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक टाइम के बारे में अगर देखा जाए तो 1828 से लेकर के 35 तक का टाइम पीरियड है किसका, 28 से लेकर के 35 तक का टाइम पीरियड है किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। बेंटिक के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर काम क्या हुआ, 1829 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सती प्रथा, जो सती सिस्टम था, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि इसने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के माध्यम से इसने क्या किया, हेल्प किया कि ठीक है आप क्या करिए, आप बेशक इसको एंड कीजिए, तो सती प्रथा का अंत हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 1830 ईस्वी में बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में भी इसे क्या किया गया, लागू कर दिया गया। उसके अलावा एक सिस्टम चलता था ठगी प्रथा। ठगी प्रथा में क्या होता था कि जो भी लोग सफ़र करते थे या मान लीजिए जैसे राहगीर हुए, तो उनको रास्ते में क्या होता था, उसमें मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी थे उनको काफ़ी ज़्यादा मार दिया जाता था, उनसे लूट जो है ये होता था। तो इसने ठगी प्रथा भी जो है, कर्नल स्लीमन का बहुत बड़ा रोल है। तो ठगी प्रथा का यहाँ पर क्या हुआ था, अंत हुआ था किसके समय पर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसने ये कहा कि भाई सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27 द्वारा ये कहा गया कि हम योग्यता को, यानी जो एलिजिबिलिटी है आपकी, इसका मतलब ये कि इफ यू आर एलिजिबल देन यू आर एबल टू ज्वाइन जॉब, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, ये यूपीएससी मेंस में हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी, यानी इसमें यह माना गया कि कोई भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर वंचित नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेंटिक का ये इस टाइम पर जो ये नियम पारित हुआ, इसमें यह कहा गया कि भाई हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि भाई अगर कोई एलिजिबल है तो हम उसे जॉब देंगे और वो जॉब क्या करता है, उसे, उसको मिलना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1835 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। आप लोगों को याद है मैंने एजुकेशन सिस्टम पर आप लोगों को बताया था, याद आ रहा है, भारत में शिक्षा का विकास। जिनको नहीं पता है, मैं ऑलरेडी इस पर लेक्चर दे चुकी हूं, मेरा एक क्लास आ चुका है, भारत में शिक्षा का विकास, याद आ रहा है आप सभी को, हाँ जी याद आ रहा है आप लोगों को, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो मैंने आप लोगों को बताया था। कितने लोग थे मेरे क्लास में पहले ये बताइए, कितने लोग थे क्लास में, जल्दी बताइए उस दिन वाली क्लास में मेरे। एक बार बता दीजिए कितने लोग थे,
एक सेकेंड, मैंने उसमें बताया था आप लोगों की भारत में जो शिक्षा का विकास हो रहा है, यानी भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। प्रॉपर मैंने दो क्लासेस ली हैं उसमें भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित, ठीक है। दो क्लास के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें आप लोग जाकर के एक बार लेक्चर, मेरा प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, ज़्यादा दिन पहले नहीं हुआ है, अभी मैंने भारत में आधुनिक जो समाचार पत्र है उसके बारे में बताया था, उसके ठीक पहले का लेक्चर है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में बेंटिक के समय पर ही क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुई थी। बेंटिक ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 ईस्वी में मैसूर, 34 में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेशों में मिला लिया था। यानी ये बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, जो हमारे यहाँ के जो किंगडम्स थे, जो हमारे यहाँ के जो रजवाड़े थे, उसको इन्होंने क्या किया, अपने इसमें मिला लिया था। और उसके अलावा संभागीय, संभागीय आयुक्त का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के कमिश्नर को इन्होंने क्या किया, यानी बेंटिक ने क्या किया, डिप्यूट किया। आयुक्त का मतलब होता है बेसिकली कमिश्नर, आयुक्त किसको कहते हैं, कमिश्नर को, ठीक है। तो कमिश्नर को बेंटिक ने क्या किया, इसको डिप्यूट किया। तो यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, बेंटिक के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो इसने ये कार्य, कुछ बातें अच्छी थी, यानी अगर इसको आप बेंटिक को ओवरऑल अगर आप लोग लें कि बेंटिक का कार्यकाल ओवरऑल देखा जाए, तो अगर सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए तो इसने क्या किया, एक बड़ा चेंज जो आता है वो कौन सा सिस्टम है, सती प्रथा। कौन सा, सती प्रथा। दूसरा हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, किसने ये कहा कि भाई जो एलिजिबल है, यानी जिसके अंदर वो क्षमता है उसे जॉब मिलेगी, जिसके अंदर क्षमता है, ठीक है ना। क्षमता का मतलब ये होता है, इफ यू आर एलिजिबल देन वी आर गोइंग, आप उसमें आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बेंटिक का कहना था और इसने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। उसके अलावा इसने राज्यों को भी क्या, हम लोग देखते हैं कि भाई कहा कि भाई आपका जो स्टेट है वो ठीक से नहीं रन हो पा रहा है, तो हम आपको इसमें मिला लेंगे, जिसमें मैसूर हो गया, दुर्ग हो गया और मध्य कछार को इसने क्या किया था, अपने इसमें मिला लिया था। किसे, मैसूर, कुर्ग और मध्य कछार, इसने क्या किया था, इसे मिला लिया था, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या किया था, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग देखे बेंटिक के मामले में, तो इसने इसके टाइम पर यह हुआ था कि अंग्रेजी को शिक्षा का जो मुख्य माध्यम यहाँ पे क्या किया गया, बना दिया गया, यानी इंग्लिश को क्या किया गया, प्रिफ्रेंस दिया गया। एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को क्या किया गया, जो है प्रिफ्रेंस दिया गया, ठीक है। तो बेंटिक के कार्य आप लोग देख रहे थे, तो बेंटिक का कार्य अगर अब बात किया जाए, एक सेकंड, अब आ जाइए, आते हैं मेटकाफ। ये मेटकाफ वही है जिसको क्या कहा जाता है, समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई थी, मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, अगर ध्यान होगा तो आज से दो दिन पहले का जो लेक्चर है, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, जिसने भारत में जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है ना, उसको, इसको हटाने वाला यही था, और इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। टाइम पीरियड 1835 से 36, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इसने क्या किया था, इस अल्प अवधि में भी उसने क्या किया, एक बहुत ही मेजर काम कर दिया, और वो क्या था कि उसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया, और इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, यही कारण है। 100 साल पूरा तो करने दीजिए पहले हम लोगों को, फिर एमसीक्यू करवाया जाएगा। अब आ जाए आप लोग 1836 से 42, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, ये किसका समय है, लॉर्ड ऑकलैंड का। और ऑकलैंड के टाइम पर अगर हम लोग देखिए कुछ बातें कर लेते, तो जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है इसके टाइम पर, और इसी टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो पंजाब स्टेट के क्या थे, मुख्य थे। हाँ, समाचार पत्र का उसको क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। अठारह से 42 के बीच में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो रहा है इसके टाइम पर, ये जो 1838 से 42 तक इसका टाइम पीरियड था, और इसमें अंग्रेजों को काफ़ी क्षति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, एंग्लो अफगान वॉर में इनको क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हुआ इसमें, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें सर्वाधिक, मतलब इसको इसमें
हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया इसमें सबसे मूर्खतापूर्ण वाला युद्ध इन्होंने लड़ा था, जहां इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां ये पहुंच करके युद्ध करने चले थे। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप देखेंगे कि इसमें यानी जो अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो यहां पर समस्या ये थी कि आप जब भी जाते यानी पंजाब स्टेट से हो करके ही क्या था जाना था, तो इसके कारण क्या होता है कि यहां पर एक त्रिपक्षीय संधि की जाती है इसके टाइम पर, ऑकलैंड के टाइम पर, ध्यान रखना आपको। और वो कौन है, तो वो अफगान का शासक शाह शुजा था, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं यहां पे, क्या क्या है इसमें, अफगान का शासक कौन था यहां पे, शाह शुजा, रणजीत सिंह, और अंग्रेजों के बीच में क्या होती है, त्रिपक्षीय संधि होती है। बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया तो रणजीत सिंह इस संधि से अलग हो गए थे। मेनली ये था यहां पर, अगर देखा जाए तो ये जो हुआ था, ये जो अगर देखा जाए तो ये संधि का कारण क्या था, यहां मैं आपको बता देती हूं इस संधि का कारण क्या था। यहाँ पर इस संधि का मैं रीजन बता देती हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रीटी, जो त्रिपक्षीय संधि है। त्रिपक्षीय संधि के बारे में अगर हम लोग देखें तो त्रिपक्षीय संधि इसमें हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, तो त्रिपक्षीय संधि में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीन लोग थे। कौन थे, अफगान का शासक, मतलब ये शाह शुजा कह लीजिए, अफगान का शासक भी नहीं कहेंगे इसको, इसको हम लोग कहेंगे शाह शुजा। कौन था यहाँ पे, शाह शुजा, शाह शुजा, ठीक है। दूसरा इसमें कौन थे, रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह थे। और तीसरे इसमें कौन थे, अंग्रेज थे। ये बेसिकली हुआ क्या था ना, मतलब आपको मैं बता दूं कि ये इन लोगों में ट्रीटी हुई थी और वहां से यानी पंजाब से होकर के जो सेना है इनकी वहां जाने का मौका मैं अभी करवा दूंगी, मैं पहुंच तो जाऊं 1857 तक, कैनिंग तक पहुंच जाऊं, मैं करवा दूंगी अभी, 100 साल पूरा हो जाएगा ना, मैं बोल तो रही हूं। हाँ, मैं अभी करवा दूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप लोग इतनी क्लास तो कर ही रहे हैं। और इसी समय शेर शाह सूरी जो रोड था, जो मार्ग था, उसी का नाम बदलकर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया। शेर शाह सूरी के टाइम पर बना था और यहां पर आ जाइए, अब कहां ज्यादा कहां बचा, 100 साल आपके बस पूरे होने वाले हैं, ठीक है ना, 100 ईयर के नजदीक आप लोग पहुंचने वाले हैं। इतना धैर्य और संयम के साथ आप लोग हैं, ये बहुत ही, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। लॉर्ड एलन बरो का टाइम देख लीजिए, ये ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है, 1842 से 44 तक का टाइम पीरियड है। मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगी, एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए हम लोग क्या देखते हैं, सिंध का विलय हो जाता है 1843 में, ये एलन बरो के टाइम पर होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके अलावा क्या देखते हैं हम लोग कि जो सिंध के रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में इसके बारे में बताया भी था कि ऐसा ऐसा है, और उसने अपनी कुछ घटनाएं, ठीक है, इसने कहा था यहाँ पर कि साफ साफ ये बात कही थी नेपियर ने कि हमने सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी सिंध को हमें नहीं लेना चाहिए था, फिर भी हम ऐसा करने देंगे, यह एक लाभदायक उपयोगी और मानवतापूर्ण नीचता होगी, मान रहा है ये, यानी कि हमसे ये प्रॉब्लम होने वाली है, हम लोग इस तरह का कह लीजिए कि बैड बिहेव जिसको कह सकते हैं, ये हम कंडक्ट दिखा रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। दास प्रथा का अंत जो होता है एलन ब्रो के टाइम पर, हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्लेवरी सिस्टम का जो अधिनियम 5 द्वारा इसका अंत कर दिया गया, किसका, दास प्रथा का अंत किया गया। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति डायरी वगैरह अगर जो लिखता है या अपने बारे में, तो एक चीज समझिएगा, हर आदमी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, क्या करता है। अच्छा मैं थक रही हूँ, मैं बस 1857 का वेट कर रही हूँ, 1857 आ जाने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों, देखिए चूंकि मैराथन क्लास है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, बिना बोले कैसे काम चलेगा। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, फटाफट आ जाइए, इससे तो मैं थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक का टाइम पीरियड है इनका। इसके टाइम पर यानी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था इस टाइम पे, जो कि कब से कब तक चल रहा है, 1846 में ही हम लोग देख रहे हैं कि ये यहां पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और लाहौर की संधि हो गई थी। कौन सी, लाहौर की संधि हुई थी, ठीक है, लाहौर की संधि हुई थी, ये युद्ध हुआ था। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि नरबलि का दमन इसने किया था, नरबलि इन द सेंस कि आप समझ ही सकते हैं नरबलि का मतलब क्या होता है, ये क्या था कि नरबलि चलता था, जिसको इसने क्या किया यहां पर, समाप्त किया।
ठीक है, जिसको इसने समा, अब हम लोग आ गए हैं, अब आ गए हैं सौरभ, हम लोग टेंशन ना ले, अब हम लोग एकदम नियर अबाउट हैं। हाँ, अब मैं भी ज़्यादा, 1848 से 56 तक में लॉर्ड डलहौजी का टाइम था। डलहौजी के टाइम पर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब डलहौजी को देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बात बता दूँगी, सबका हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसके टाइम पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम हुए हों, हम उसे क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो डलहौजी ने, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने 1852 में क्या किया था, यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने जो 18 मतलब अगर देखा जाए तो 18 अधिकार नहीं, ऐसे इसने पंजाब का विलय 1849 में ही कर लिया था। कब की बात है ये कि भाई इसने कहा कि यहाँ पर क्या है, अगर बात किया जाए यहाँ पर, इसने क्लियर कट बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर शासन जो है नहीं कोई देख सकता है, या फिर कुशासन का आरोप लगाकर इसने क्या कहा कि नहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इसका विलय कर लिया था। सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर डलहौजी ने लोअर बर्मा और पीगू का इसमें विलय कर लिया था। यानी डलहौजी का टाइम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी लगातार क्या कर रहा है, युद्ध में इन्वॉल्व है। सिक्किम, ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, सिक्किम को भी क्या किया कि राज्य के कुछ इसमें दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे, भारत में इसने मिला लिया था इस टाइम पे। व्यवगत का सिद्धांत आप देख लीजिए डलहौजी का। एक चीज़ मैं आप लोगों को देखिए बता देती हूँ, इसके जो पॉलिसीज़ थी डलहौजी की पॉलिसीज़ मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। डलहौजी की पॉलिसी के बारे में एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसकी पॉलिसी में क्या था। तो बेसिकली देखिए, डलहौजी ने क्या किया था, एक नियम अपनाया था, इसको कहते हैं व्यवगत का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, व्यपकत का सिद्धांत, या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। जिस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये ध्यान रखिएगा, डलहौजी और वेलेसली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर। ये कौन है आपको, डलहौजी, ओके, और यहां पर कौन था आपको, जो वेलेसली, जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो वेलेसली ने क्या किया था, इसने अपनाया था सहायक संधि। इसने क्या अपनाया था, सहायक संधि, क्लियर है, इसने अपनाया था सहायक संधि। यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिएगा, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि इसने क्या किया था कि सब पे कुछ ना कुछ क्या किया, आरोप लगा दिए, सब पर कुछ ना कुछ क्या किया, आरोप लगाया, जैसे कि कुशासन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से जो है शासन चल नहीं पा रहा है। उसके अलावा उसने कहीं पे लगा दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जिसको, तो कुछ ना कुछ आरोप लगाकर राज्यों का विलय करना, बेसिकली ये था क्या, आरोप लगाकर राज्यों का विलय करना। ये किसने किया था, ये डलहौजी के टाइम पर ही हम लोग देखते हैं कि ये चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो डलहौजी में आपको, मैं आपको और एक चीज बता दूं, वुड डिस्पैच, देखिए मैं कुछ बातें पहले पढ़ा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वुड डिस्पैच जो था 1854 का, जिसमें माना गया कि स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए, वुड डिस्पैच इसी के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे बताया लोअर बर्मा और पेगू जो है उसका अधिग्रहण डलहौजी करता है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि जो रेलवे के बारे में अगर बात करें तो रेलवे माइन्यूट, यानी रेलवे स्मरण पत्र उसको बोलते हैं 1853, जिसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंबई से ठाणे के लिए पहली प्रथम रेल चली थी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी जो चली थी वो कहां से कहां चली थी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। तो यहां पर आप डलहौजी का एक काम कर सकते हैं, यहां पर एक चीज डलहौजी में जो हुआ, यहां पर एक सेकेंड, कुछ बातें जैसे कुछ सुधार जो अगर देखा जाए कि इसके टाइम पर जो सुधार हुए, यानी कुछ जो कार्यक्रम सुधार के, ये अपने लिए ही कर रहे थे, रेलवे माइन्यूट इसको बोलते हैं, रेलवे माइन्यूट इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि ये स्मरण पत्र भी बोलते हैं, जिसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कब आया था, 1853 में, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंबई से ठाणे, बंबई एवं ठाणे के बीच में, एम थाने के बीच में क्या होता है, प्रथम रेल चली, प्रथम रेल चलाई गई, क्लियर है, ये आपको हो गया। और जो सेकंड अगर हम लोग देखा जाए कि दूसरी, सेकंड के बारे में बात करें तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1854 में, क्लियर है। और इसमें यहां पे कहां कहां से, कलकत्ता से रानीगंज के लिए, रानीगंज के लिए दूसरी रेल यहां पर चलाई गई थी। तो रेलवे जो कह लीजिए कि रेलवे का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, या रेलवे की जो शुरुआत हुई थी, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। हालांकि इनको कच्चे माल चाहिए थे और ये अपने पर्पस के लिए ही कर रहे थे, लेकिन आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से ये क्या हुआ यहां पर। उसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो भी हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी के टाइम पर आया, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। ये किसके द्वारा आया है? ये आया है 1856 में। ये कब आया है? ये आया है 1856 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था। और यहाँ एक चीज और है, लोक निर्माण विभाग जिसको आप लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी, उसने हर स्टेट में क्या किया था, पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना हुई, यानी लोक निर्माण विभाग का स्थापना हुआ यहाँ पर। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने क्या की थी, करवाई थी पर सभी स्टेट में। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डलहौजी के टाइम पर आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से मेन काम हम लोग देख रहे हैं। जो चेंजेस आया, रेलवे माइन्यूट ये लेकर के आते हैं, फर्स्ट रेल चलती है बंबई से थाने के लिए, दूसरी चलती है कलकत्ता से रानीगंज के लिए, विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रिमैरिज एक्ट जो है 1856 वो आता है। और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, लोक निर्माण विभाग जो कि पर सभी स्टेट में इन्होंने क्या किया था, ये लेकर के आते हैं। चलिए अब आपका यहाँ पर कैनिंग रह गया ना, एक सेकेंड, अच्छा कैनिंग का एक सेकंड रुक जाइए। लॉर्ड कैनिंग यहां पर आ जाइए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ जी यहां आ जाइए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या पूछ रहे हैं। अच्छा जी चलिए यहां आते हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे। अच्छा चलिए कोई नहीं है। हाँ जी जितने लोग क्लास में हैं, अब एक चीज यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, कैनिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों से मैंने अभी बताया भी था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि है क्या समय भी समाप्त तो होने वाला है हम लोगों का और ये मैराथन समाप्त तो हो जाएगा। प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर हम लोग देखें, लॉर्ड कैनिंग यहां पर आ जाइए, तो लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो कब से कब तक है, 1857 से लेकर के 1856 से लेकर के 57 तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा कि स्पेशली कहां पर, कलकत्ता, स्पेशली कहां पर, कलकत्ता, दूसरा कहां है आपको बंबई और मद्रास, दूसरा कहां है आपको बंबई और मद्रास, ठीक है ना, कलकत्ता बंबई और मद्रास, ये तीन जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, इन तीन जगहों पर क्या हुआ था, नए यूनिवर्सिटी खोले गए थे, नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, क्लियर है। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि इसके टाइम पर, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर क्या हो रहा है, 1857 का रिवोल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1857 का रिवोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर जो भी प्रॉब्लम आए थे, तो ये जो टाइम पीरियड आपने देखा ये पूरा का पूरा गवर्नर जनरल का समय था, ये किसका समय था, गवर्नर जनरल का ये समय था, इसका समय था गवर्नर जनरल का ये समय था, अरे नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12th क्लास में हैं, मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगी। अच्छा ठीक है चलिए, दो मिनट का रेस्ट ले लीजिए सभी लोग, दो मिनट रेस्ट ले लीजिए। देखिए है क्या कि मैंने आपसे क्या कहा, 1757 से लेके 1957 एक लंबा टाइम होता है, क्लियर है, वहां तक हम लोगों को क्या करना है, देखना है। हम 1857 आ चुके हैं हम लोग। सौरभ अभी रुक जाइए, एमसीक्यू अभी रहने देते हैं, अभी मैं एमसीक्यू, मुझे लग रहा है कि समय, एक तो दिक्कत ये आएगी इसमें कि अब हमारे पास ले देकर के हाफ एन आवर है और हाफ एन आवर में ही अभी पूरा वॉइस अलाय करना है हम लोगों को, चूंकि इस मैराथन का जो एम है वो पूरा होना चाहिए, एमसीक्यू क्लास तो हो ही जाएगी मुझे लगता है। हाँ संडे को तो मैं एमसीक्यू लेती ही हूँ, तो उसके लिए कोई बहुत इशू नहीं है, थोड़ा सा रुक जाए आप सभी लोग, थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, हाँ थोड़ा सा क्या करिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कैनिंग के बारे में देखिए, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कैनिंग के टाइम पर क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय पर, और वायसराय वो यानी कि गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या है, उसका टाइम पीरियड आपने देखा 1856 से 57 के तौर पर, लेकिन वायसराय के तौर पर देखते हैं क्या, 1858 से 62 तक रहता है कैनिंग, ध्यान रखिएगा कब से कब तक की बात हो रही है। कैनिंग के बारे में यहाँ पर कुछ बातें और देख लीजिएगा,
हाँ, एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं है, मैराथन का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, मैराथन का पर्पस फिर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। और मैराथन का मतलब ये होता है कि आपका एक टॉपिक पूरा हो जाए। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर मैराथन में क्योंकि है क्या, सौरभ सॉरी टू से, लेकिन टाइम नहीं है अब हम लोगों को टॉपिक ज्यादा करना। मुझे लगा था टाइम बचेगा, बट टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं हम लोग। तो लॉर्ड कैनिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका गवर्नर जनरल के तौर पर जो उसका टाइम था, यानी कि 1856 से लेकर के 57 तक, जब तक कि विद्रोह नहीं होता है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। उसके बाद एज अ वायसराय के तौर पर इसका जो समय है, यानी इसका जो वायसराय के टाइम पर अगर देखा जाए, तो ये उसका समय कब से कब तक है लॉर्ड कैनिंग का, ये है आपको 1858 से लेकर के 62 तक। ये याद रखना है, 1858 से 62 तक क्या है इसका यहाँ पर शासन हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर इसके टाइम पर बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे जो यूरोपीय सेना थी उस टाइम पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ बातें आपको जो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो पुलिस विभाग का गठन हो रहा है। 1858 का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम क्या देख रहे हैं हम लोग, 1858 का क्या होता है, चार्टर बनता है, जिसमें ये अनाउंस किया गया था कि आप गवर्नर जनरल जो है भारत का जो गवर्नर जनरल है यहाँ पे इस टाइम पे, वो क्या हो जाएगा, अब वो वायसराय के नाम से जाना जाएगा। यानी इट मींस नाउ गवर्नर जनरल बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी विधि संहिता का निर्माण इसी के समय पर होता है। यहाँ पर कुछ बातें और मैं बता देती हूँ इसके बारे में, ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन सी संहिता, संहिता मतलब कोड जिसको कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए। तो नागरिक विधि संहिता, जो भी लोग क्लास में हैं प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नागरिक विधि संहिता 1859, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय शासन अधिनियम, क्लियर है। ये कब आ रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम आ रहा है 1861 में, ये कोड यानी बनाए गए थे, लॉज बनाए गए थे। अब यहाँ आ जाइए, पुलिस विभाग का गठन, जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं वो मैं बता दे रही हूँ आपको। पुलिस विभाग का गठन ये कब हो रहा है, 1861 में। सॉरी, जो लोग भी क्लास में अगर सोच रहे होंगे कि मैं कमेंट का जवाब दूँ, देखिए अभी समय नहीं है मेरे पास, आप लोग को पढ़ाना है और मुझे सारा बताना है इसमें, सो दैट आप लोग यहाँ तक आज सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए आज। हाँ, एमसीक्यू की क्लासेस, बाकी चीज़ें तो मैं पढ़ा ही दूंगी। तो कैनिंग के टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1858 का एक्ट आता है, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि नागरिक विधि संहिता जो है वो आ रहा है, भारतीय दंड संहिता जो है वो हम लोग, भारतीय शासन अधिनियम तो आया ही आया है, उसके अलावा भारतीय दंड संहिता वो छूट गया है यहाँ पर, भारतीय दंड संहिता ये कब आ रहा है यहाँ पे, भारतीय दंड संहिता 1860। क्योंकि जो लोग भी बच्चे जो लगातार बैठे हुए हैं उनको भी भाई क्या हो रहा है कि भाई एटलीस्ट आज की क्लास का उनको बेनिफिट मिले। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये था कैनिंग के टाइम पर होने वाले जो चेंजेस थे, ठीक है, ये था कैनिंग के टाइम पर होने वाले चेंजेस थे। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे कुछ बातें और हम लोग आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद यानी लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आता है, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ये ध्यान रखिए। कुछ जो छोटे छोटे यहाँ पर और गवर्नर जो वायसराय आते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। कैनिंग के जस्ट बाद कौन आ रहा है यहाँ पर, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो वो कौन है, 1862 से लेकर के 63 तक, यानी ज़्यादा बड़ा समय नहीं है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसके टाइम पर क्या होता है, वहाबी आंदोलन एक फेमस मूवमेंट रहा हुआ था, वो होता है यहाँ पे, कौन सा, वहाबी मूवमेंट। भाई मुझे देखिए आंदोलन वगैरह सब आपको पढ़ाना ही है, इसको जाकर के थोड़ा सा आप लोग खुद से भी क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, देखिएगा कि कौन कौन सा इस टाइम से, यानी अलग अलग, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे वहाबी मूवमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह हो गया, उसके बाद आप आ जाइए मुंडा विद्रोह हो गया, मूवमेंट चलना शुरू हो जाता है भारत में अलग अलग स्तर पर, वो आप लोग को देखना है। अब आ जाइए जॉन लॉरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जॉन लॉरेंस कौन है भाई, जॉन लॉरेंस ये कुछ छोटे छोटे वायसराय हैं, ये अगर नहीं भी याद रहे तो कोई इशू नहीं है आपको, बस मेजर बातें ध्यान रखने की इसके टाइम पर टाइम काम क्या हुआ है। ये आ जाइए जॉन लॉरेंस, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कलकत्ता बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जो इम्पोर्टेंट काम क्या किया था इसने भारत के प्रस्पेक्टिव में,
बंबई और मद्रास, यहां पर क्या किया गया था, एक हाई कोर्ट की यहां पर स्थापना की गई। सॉरी जितने भी लोग हैं जिनको लग रहा कि मैं कमेंट देखूंगी, ठीक है, कलकत्ता बंबई और मद्रास में इन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट की स्थापना की थी। तो जॉन एल्गिन फर्स्ट बता दिया मैंने 1862 से 63, जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक का टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक भूटान युद्ध भी हुआ था 1865 में इसी टाइम पर। कलकत्ता बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी जॉन लॉरेंस के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो के बारे में बात करेंगे। 1869 से लेकर के 1872 तक का टाइम पीरियड है इसका लॉर्ड मेयो का। मेव के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है देख लीजिएगा, जनगणना का काम हुआ। जनगणना इन द सेंस अगर देखा जाए तो सेंसस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस, यानी भारतीय जनगणना का काम यहाँ पर हुआ। अच्छा, लाल सागर से होकर के तार व्यवस्था, तार व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यहाँ से अब यहाँ से तार व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी जो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब लेटर वगैरह यहाँ से जाना शुरू हो जाता है। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था यहां पर। सौरभ इतने लंबे लंबे मैसेज क्यों लिख रहे हैं, पढ़ लीजिए अभी। मैं आपसे बताऊं, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है, आप लोगों से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब इतने अच्छे इतने धैर्यवान स्टूडेंट हैं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भाई, मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप मेरी क्लास में हैं। लेकिन हाँ, मैं सीधी सीधी बात यहाँ पे कह रही हूँ कि अभी बहुत लंबे मैसेज करिएगा, मैं नहीं देख पाऊंगी, सॉरी टू से, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी फिर। और उसके अलावा पंजाब में हम लोग क्या देखते हैं, कूका विद्रोह इसी समय पर हुआ था। उसके अलावा इसने लॉर्ड मेयो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि राजकुमारों के लिए, इसने कहा कि भाई जो भी किंगडम से रिलेटेड जो प्रिंस हैं उनके लिए हम एक अलग कॉलेज खोलेंगे जो कि मेयो कॉलेज के नाम से जाना गया, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, अजमेर में। इसके समय पे, मेयो के समय पे क्या हो रहा है, नमक टैक्स जो था उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया था, ठीक है। मेयो ने बजट घाटे को कम किया और आयकर की दर को 1% बढ़ाकर 2.5% कर दिया था। पोर्ट ब्लेयर में इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, एक ये वहां पर पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो जो है इसकी क्या कर दी गई थी, यहां पर हत्या कर दी गई थी। तो मेयो के बारे में अब आप देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेयो के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि स्पेशली राजकुमारों के, जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है कि भाई कहा कि जो भी राजकुमार है उनके लिए क्या होगा, अलग से एक कॉलेज होगा जो लोग वहां क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा काम क्या हुआ था कि पहली बार भारतीय जनगणना हुई, है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि पहली बार हम लोग क्या देखते हैं, सांख्यिकी जो सर्वेक्षण की स्थापना की गई, उसके अलावा नहीं नहीं सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना यहां पर की गई थी, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य विभाग की यहां पर क्या हो रही है, स्थापना हो रही है यहां पर। और उसके अलावा क्या हम लोग देख रहे हैं कि भारत की, हाँ उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि भारत की प्रथम जनगणना जो मैंने आपको बता ही दिया, रेल, उसके अलावा हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें और इसमें डेवलप हुई मेयो के टाइम पर। तो कुछ बातें जो मेन मेन बात है वो मैंने बता ही दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, यहाँ आ जाइए, इनके बारे में देख लेते हैं। 1872 से 76 तक का इनका टाइम पीरियड है। अब यहाँ आ जाइए, 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था, अकाल इन द सेंस फेमाइन आया था यहाँ पर। और 75 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। नॉर्थ ब्रुक ने इसमें क्या किया था, 10,000 रुपया यहां पर दान दिया था कि आप इसको एस्टैब्लिश करिए। उसके अलावा कुछ बातें यहां पर और देख लीजिएगा, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो नॉर्थ ब्रुक है, नॉर्थ ब्रुक के बाद में आपको मैं बता दूं कि यहां पे इसके टाइम पर मेन वही हम लोग क्या देख रहे हैं जिसको कहते हैं ना अलीगढ़ में, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये वहां पर अलीगढ़ जो मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई थी, साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई थी। मैं अभी भी सौरव नहीं देख पा रही हूँ, नहीं कोई सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा वो जो नहीं कहते इतना लंबा लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैसेज कोई प्रॉब्लम नहीं है सौरव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए। लॉर्ड लीटन के टाइम पर आ जाइए कि क्या हो रहा है, 1876 से लेकर के 80 तक का टाइम पीरियड है लीटन का। और लीटन के समय पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो था ये बेसिकली एक कवि भी था, उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, और साहित्य जगत में यानी लिटरेरी वर्ल्ड में ये ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। कौन, लॉर्ड लीटन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ही वॉज वेरी फेमस एज ओवन मेरेडिथ के नाम से क्या है ये जाना जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोग देखा जाए, 1876 से 68 के बीच में अकाल होता है,
ठीक है, इससे इससे कौन कौन सी जगह, अकाल इन द सेंस फेमाइन आया, इससे कौन कौन सी जगह बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहे, मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। ठीक है, तो इसने क्या किया कि बोला कि भाई अब हमें अकाल के सर्वेक्षण के लिए या जानने के लिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हमें कुछ करना होगा। तो रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में इसने क्या किया, प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया। किसने? लीटन ने। ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अकाल आयोग जो है इसकी नियुक्ति की गई 1878 में, और इसका एक महानिदेशक की इसमें क्या की गई कि नियुक्ति की गई, महानिदेशक इन द सेंस कि उसका जो मेन। अब उसके अलावा यहां पर आ जाइए, ये एक सेकेंड, कुछ स्लाइड्स इधर उधर हो गए मुझे लग रहा है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, लॉरेंस के बारे में मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, लॉर्ड मेयो के बारे में मैंने बता ही दिया, या तो स्लाइड मुझसे ही पीछे चला गया था। एक सेकेंड रुक जाइएगा, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अच्छा, लीटन पर आ ही गए हम लोग, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखा जाए तो 1876 में यानी लीटन के टाइम पर क्या हो रहा है, राज उपाधि यानी रॉयल टाइटल जिसको आप बोलेंगे वो क्या हुआ, एक्ट 1876 जिसमें क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से घोषित ये किया गया, कैसरे हिंद की उपाधि, इन द सेंस उपाधि को इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल, कैसरे हिंद की क्या की गई यहां पर टाइटल दी गई, किस चीज की, अंग्रेजी संसद ने। यहां पर हुआ क्या था अगर हम लोग देखें तो इसने क्या किया था यहां पर कि उपाधि दी गई थी किस बात की, कि भाई ये कौन है, कैसरे हिंद है कौन, महारानी विक्टोरिया। प्रथम दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ये आयोजित होता है। कलकत्ता की तुलना में पत्रिका की इसकी तुलना की थी कि जब भारत में इतने बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, अकाल आया हुआ है, तब ये क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं लीटन के टाइम पर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट दिल्ली दरबार जिसमें इन्होंने क्या किया था, जम करके अपना ही जिसको बखान कहना हो कह सकते हैं किया था इन्होंने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देख लीजिए, इस अधिनियम से आप लोगों को मैंने कल ही बताया है कि भारतीय समाचार पत्रों पर क्या हो गया, जो स्थानीय भाषा में या भारतीय भाषा में जो है यहाँ से होने, उस पर क्या किया था इन्होंने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इस पर क्या किया था, यहाँ पर रोक लगा दिया था। ठीक है, ये भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 इसको आर्म्स एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत देर से क्लास में बने हुए हैं तो प्लीज़ मैं उनको भी ध्यान रखते, 5 बजे में क्लास ओवर कर दूंगी तो बस आपका थोड़ा देर का ही काम है। हाँ हाँ, वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें यह कहा गया था आर्म्स एक्ट में कि कोई भी भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना, उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये एक्ट जानबूझकर ये लाया गया था ताकि जो भी यहाँ पर हैं वो जो भी भारतीय हैं वो अपने पास आर्म्स नहीं रख पाएं, वो अपने पास आर्म्स नहीं रख पाएं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं इसमें हम लोग, यहाँ पर लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड देख लीजिए, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन फ्रॉम 1880 to 84, 1880 से लेकर के 84 तक का है। इसके बारे में देखा जाए तो ये भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था, क्यों, क्योंकि इसने अपनी पुस्तिका इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज इसने लिखी थी और इसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करो शब्दों से नहीं, समझे, मेरा मूल्यांकन यानी इवेल्युएट माई वर्क विथ माई वर्क नॉट विथ माई वर्ड्स, ओके अब यहां पे देखते हैं क्या हम लोग हो रहे हैं यहां पर कि कुछ प्रमुख घटनाएं जो घटी हैं इनके टाइम पर,
लॉर्ड रिपन के समय पे जो वास्तविक जनगणना यानी एग्जैक्टली तरीके से जो जनगणना हुई भारत में सेंसस जो हुआ वो रिपन के समय पर ही हुआ। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मकाल भी माना जाता है, यानी यहाँ पर ऑटोनॉमस जो कह लीजिए कि पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब स्वायत्त स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए जो लोकल जो बॉडी होता है, जैसे मान लीजिए एक तरह से कह लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई जिला परिषद हैं तो वार्ड कमिश्नर हैं, सबका रोल होता है किसी भी सिटी या स्टेट को बनाने में। ठीक है मैं नहीं देख रही हूँ कमेंट, हाँ मैं समझ रही हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं। रिपन का जो काल था इसमें समझ गए आप लोग, 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय पर पारित हुआ था। फर्स्ट फैक्ट्री अधिनियम का मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स होंगे उनका क्या कार्यकाल रहेगा, किस प्रकार से वो काम करेंगे, कब तक काम करेंगे और उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इन सब को डिफाइन किया गया था इन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। 1882 ईस्वी में हम लोग देखें तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, किससे, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ है इसी के समय पे 1884 में, इसमें यह था कि रिपन के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही इसने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इल्बर्ट विल में अगर एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर यह था कि इसने भारतीयों को यह दे दिया था अधिकार कि भाई आप भी कैस में जज होंगे, जिसपे हुआ क्या कि जो ब्रिटिश जो जज थे, जो अंग्रेज जज थे, वो नाराज होंगे कि भाई ये काम मत करिए, जुडिशरी में इनको मत लाइए, और ये चाहता था कि नहीं भाई एक एक जज तो भारत के भी होने चाहिए। इसी पर आपस में ही क्या हो गया, विवाद हो गया, जिसके कारण इसने क्या किया कि जब बात नहीं बनी तो रिपन ने खुद ही क्या किया, रिजाइन दे दिया और ये चलते बने। अकाल संहिता 1883 में रिपन के समय पर ही बनी थी। ठीक है, अब इसमें देखिए रिपन ने मैसूर राज्य के उसके पुराने उसको शासक को वापस कर दिया था। ये आ गए डफरिन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन के टाइम पर अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो ये है कांग्रेस पार्टी की स्थापना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अगर देखा जाए तो डफरिन के समय पे वो कौन सा कार्य है। अब यहां देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर डफरिन के मामले में अगर देखा जाए यहां पे तो इसमें इसके टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ है ये ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना इसी के काल में हुई थी। ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी के समय पे हुई थी। और 1887 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी इसी के समय पर क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, 1885 में डफरिन जो है उसकी जो वाइफ यानी जो भी ये जो वायसराय होते थे उनकी जो वाइफ होती थी वो लोग अपने नाम में क्या लगाती थी, लेडी। ठीक है, तो लेडी डफरिन फंड यहाँ पर पहली बार स्त्रियों की रक्षा के लिए क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और इसके टाइम पर बर्मा का थर्ड वार हो रहा है जिसमें डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ये ध्यान रखना आपको कि ये इंपॉर्टेंट काम थे जो डफरिन के समय पर हुए थे। लॉर्ड लैंसडाउन आ जाइए, 1888 से 94 तक का टाइम पीरियड है लैंसडाउन का, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट काम में अगर आप देखिएगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली लैंसडाउन के टाइम पर क्या, कारखाना अधिनियम जो फर्स्ट आप देख चुके हैं, सेकेंड कारखाना अधिनियम इसी के टाइम पर आता है। ठीक है, सेकेंड कारखाना अधिनियम हम लोग क्या देख रहे हैं इसी के समय पर आता है। और लैंसडाउन के टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, जो डुरंड रेखा है यानी जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की, तो उसको ही इसने क्या किया था, निश्चित की गई थी 1893 में, जो कि हम लोग क्या देख रहे हैं आपको लैंसडाउन के टाइम पर हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम भी जो इसी के समय पर बनाया गया था 1892 में, है ना। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा का जो रेखा, सीमा जो निर्धारण रेखा है वो डुरंड लाइन, उसको इसके टाइम पर ही क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड जो कि 1894 से 99 तक है, लॉर्ड एल्गिन के बारे में यहां पर आ जाइए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लूर मठ की स्थापना यहां पर की गई थी। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें यहां पर कि लॉर्ड एल्गिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसके टाइम पर जो है भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत के ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे यानी जो इनके अधिकारी थे अब उनकी हत्या की जाने लगी थी, अब वो निशाने पर आ चुकी थी, टारगेट पर, चूंकि इनकी अपनी पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से ये लोग अब क्या हो रहे थे। तो पहली बार जो एक केस हुआ था चापेकर बंधुओं वाला जिसमें दो ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हुई थी, तो उस वो घटना इसी के समय पर घटती है। अब आते हैं मोस्ट डिस्प्यूटेड वायसराय ऑफ इंडिया, जिस बहुत ज़्यादा जो क्या विवादास्पद जिसके बारे में आप जानते हैं दैट ही वाज कर्जन, इसने क्या किया था, इसने सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड वर्क किया है, बंगाल का विभाजन इसने सबसे ज़्यादा क्या किया था इसके टाइम पर, बहुत ज़्यादा जो है अशांति का काल इसको कह लीजिए इसके समय पर हम लोग देखेंगे।
तो ये सबसे ज्यादा अलोकप्रिय, यानी वो वायसराय जो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया हो, ये उसमें से आता है, क्योंकि इसका काम ही वैसा था। ठीक है, इसका काम ही वैसा था जिसका हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्जन ने क्या किया था, सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया था, और यह अकाल आयोग के गठन की इसने क्या की थी, सिफारिश की थी। भारत में देखिए, चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सुधार नहीं कर रहे थे, तो ये लगातार यहां पर क्या हो रहा था कि यहां पर प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण अकाल यहां पर लगातार बढ़ हो रहे थे, और इसको इसके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा वॉचफुल नहीं थे। 1901 में इसने क्या किया था, मैनफ्रिड की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, सिंचाई आयोग इरिगेशन डिपार्टमेंट। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने एक पुलिस आयोग क्या किया था, गठन किया था, किसने, कर्जन ने। 1903 में इसने सीआईडी, जिसको कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। और 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी भारत में शिक्षा के विकास में ये मैंने बता दिया है। और उसके अलावा इसका काम अगर देखा जाए तो, इसके काम में अगर देखा जाए तो इसने क्या किया था कि पारित किया, और इसके अंतर्गत उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर यहाँ आते हैं, इसके द्वारा और जो काम किया गया है कि कर्जन ने क्या किया था यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और है, इसके टाइम पर ही जो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारतीय जो है पुरातत्व जो है, इतिहास एवं पुरातत्व, जिसको कहते हैं ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो कि प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए बनाया गया था, 1904 में इसको क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूँ अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो, और जो भी पुराने मोन्यूमेंट्स थे उसकी मरम्मत के लिए 50,000 क्या किया गया था, उसमें दिया गया था। हाँ, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूं अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। हाँ, और सबसे मेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन, कर्जन अपनी इसी कार्य के लिए जाना जाता है मेनली, 1905 का बंगाल डिवीजन, ये इसका अब तक का सबसे घृणित काम जिसको कह लीजिए बंगाल, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला क्या था यहाँ पर। हाँ जी सौरभ सिंह, हाँ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मैं अब, बाकी तो आप लोगों को पढ़ाना ही है। लॉर्ड मिंटो सेकंड का टाइम देख लीजिए, 1905 से 10 है यहाँ पर। इसके टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, और कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था यहाँ पर कि स्पेशली क्या कहा गया था, स्वराज की डिमांड की गई थी। और कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है, सूरत स्प्लिट जो है, वो भी इसी समय पर हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था, ये 1908 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर समाचार पत्र अधिनियम आया था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें कि हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये भी इसी समय आया था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी समय पर आया था। एक आपने हार्डिंग पढ़ लिया है, हार्डिंग फर्स्ट, ये है हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हार्डिंग के बारे में, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था इसमें यहाँ पर, और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वहाँ से शासक आए थे उसके लिए इन्होंने भव्य प्रदर्शन किया था यहाँ पर, कि भाई शक्ति अपना पावर दिखा रहे थे यहाँ पर। 1912 में हुआ क्या, यहाँ से राजधानी जो है शिफ्ट हो गई, कहाँ से, कलकत्ता से जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई थी यहाँ पर। 1913 ईस्वी में इसी के टाइम पीरियड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, गुरुदेव जो है, उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ बातें और देखते चलेंगे, बाकी तो देखिए हम लोग को राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ना ही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये, और इसके टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट काम जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, कि इसके टाइम पर क्या रॉलेट एक्ट जो है ये क्या हो रहा है, पारित हो रहा है, और 1919 का संवैधानिक सुधार जो है वो क्या हुआ था यहाँ पर, लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, यानी जो भी प्रोविंस है उसमें द्वैध शासन लाया गया। पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना में कमीशन्ड पदों पर नियुक्त किया गया था यहाँ पर इसके समय पर। लॉर्ड रीडिंग में आ जाइए, 1921 से 26 तक का इसका काल पीरियड है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहुंचे थे, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पर स्थापना हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय बहुत फेमस है ये, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, ये उस टाइम पर बना था। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा कि जो भारतीय जो यहाँ पर ICS की जो परीक्षा होती थी उसमें इन्होंने ये कहा कि उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई। जैसे आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं वही हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस टाइम पर वो ICS के नाम से क्या है जाना जाता था। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ बातें और देख लें। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, ये आप लोगों को पता ही है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके आने से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि
सबसे मेन मेन बात हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन क्या हुआ था, यहाँ पर आया था, ठीक है ना, साइमन कमीशन यहाँ पर आया था और नेहरू रिपोर्ट जो है इस टाइम पर क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ बातें और देख लीजिएगा। 1929 का सबसे फेमस क्या है, लाहौर कन्वेंशन हुआ था, क्योंकि उसी समय रावी नदी के तट पर यह प्रण लिया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को अपना क्या मनाएंगे, जैसे स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस तो बाद में हुआ है, हम लोग उसको अपना स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएंगे, तो ये वहाँ पर किया गया था। उसके अलावा क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ बातें और इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर और चीज़ें देख लीजिएगा, एक सेकेंड आ जाइए, वेलिंगटन के ऊपर कि लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या किया था। अब तो टाइम भी आपका समाप्त हो रहा है, कोई नहीं, बस मैं लास्ट ही कर देती हूँ इसमें। इसके हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का इसके समय पर क्या हुआ था, आयोजन हुआ था लंदन के जेम्स पैलेस में, गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पर, और यहाँ पर इन लोगों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया था, ठीक है। गांधी जी जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है, मैंने अपने देश का सम्मान नीचे नहीं गिरने दिया है, मैं सर झुकाने का नहीं दी, मैंने सर नहीं झुकाया वहाँ पर, मैं जिस तरह से गया था और बिना सर झुकाए, यानी हम अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके हैं और हमने अपनी शर्तों पर ही अपनी बात रखी है, जो उनकी शर्तों को हमने नहीं माना है, दिस इज़ आवर बेस्ट जो है अचीवमेंट हमारा रहा ये, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आते हैं 1935 का अधिनियम, एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ बातें जो है लॉर्ड लिनलिथगो का देख लीजिएगा, 1936 से 44 तक का टाइम पीरियड है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला आम चुनाव जो है हुआ यहाँ पर 1935 के अधिनियम एक्ट के द्वारा, और इस चुनाव में हम लोग क्या देख रहे हैं, छह प्रांतों में क्या हुआ था यहाँ पर कि यहाँ छह प्रांत इन द सेंस की बेसिकली आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन हुआ। और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसने यहाँ पर क्या किया था, अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें कि और क्या हुआ है यहाँ पर, 1939 में बहुत फेमस रहा है त्रिपुरी संकट रहा है जो कांग्रेस पार्टी में होता है, सुभाष चंद्र बोस थे एक तरफ और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया जी थे, तो उस वो जो डिस्प्यूट होता है उसको कहते हैं, और इसी समय बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। एक चीज़ और है, क्रिप्स मिशन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आता है। क्रिप्स मिशन ने फिर वही बात कही थी, चूंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और ये अंग्रेज अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, जिसको लेकर के वेवल का देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। 1944 से 47 के बीच में लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड आता है और वेवल यहाँ पर क्या करता है, वेवल का देखा जाए तो शिमला सम्मेलन होता है और इसमें क्या हुआ, इसमें बुलाया गया और यहाँ पर होता क्या कि जिन्ना के जिद की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं सफल हो पाता है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं कि क्लीमेंट एटली, वहाँ लंदन में भी चुनाव होते हैं और उस चुनाव में वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब वहाँ पे भी सरकार चेंज हो गई है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं कि 18 फरवरी 1946 को बम्बई में किसी ने पूछा भी था स्टार्टिंग में कि मैम शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं किस टाइम पर। ये देखिए, ये मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी मुझे नहीं बात करनी है यहाँ पर कि क्या था, पूरा का पूरा वो तो टॉपिक चलेगा आपका। लॉर्ड माउंट बेटन जो है ये लास्ट रहे हैं 1947 से 48 के बीच में, और 2 जुलाई 1947 को इसने, अगर देखा जाए तो इसने क्या किया था कि इसने माउंट बेटन प्लान इसने एक बनाया और इसकी घोषणा कर दी। घोषणा की कि इसमें यह कहा गया था कि भारत में विभाजन की योजना इसमें था कि ये जो है एक पृथक होकर के एक नया देश बनाया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक क्या किया गया था, पारित कर दिया गया था, और 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं गठित हुआ। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो 14 अगस्त को आपको पता ही है और 15 अगस्त को हमें क्या होती है, स्वतंत्रता मिलती है। तो ये था माउंट बेटन प्लान। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उसके अलावा जो लास्ट बच जाते हैं सी राजगोपालाचारी, यानी उस टाइम पर ऐसे कई बार क्वेश्चन आता, वैसे अंग्रेज में नहीं, अगर भारतीय में देखेंगे तो अगर देखा जाए यहाँ पर, देखिए आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का टॉपिक तो मुझे पढ़ाना है। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि जो भी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि वायसराय कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, कौन कौन से, 1905 के बाद इतना हर्डल नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ। 1905 के बाद के जो भी वायसराय गवर्नर जनरल हैं वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको सारे लगभग सारे काम याद रहते हैं, ये चीज़ समझिएगा।
उसके पहले वाले जो गवर्नर जनरल है ना उनके काम आपको जल्दी याद नहीं होते क्योंकि वो इतने पॉपुलर नहीं, और भारत में उस टाइम पे क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि इतना मूवमेंट या आंदोलन नहीं हो रहा था, भारत में उस समय पे आंदोलन की गति नहीं थी जिसके कारण ये समस्या आती है। पढ़ने में दिक्कत वहीं पर होती है, यानी अगर हम बात करें कि वायसराय का अगर आप टॉपिक हम मुझसे अगर पूछें कि मैम वायसराय के टॉपिक में कहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है याद करना, तो आफ्टर 1905 यहाँ से यानी कर्जन के काल से आपको ईजी लगता है पढ़ना, उसके पहले का जो है वो क्या है थोड़ा सा क्या लगता है आपको टफ लगता है। हाँ जी चलिए, हाँ उसके पहले का क्या लगता है आप लोगों को टफ लगता है यहाँ पर, तो 1905 से 47 में क्योंकि आप लोग रेगुलर पढ़ते रहते हैं ये पूरा जो है मूवमेंट्स का टाइम रहा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का जो क्या रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए आप लोगों को आता है। और हाँ एक चीज़ और है, अभी 6 बजे शाम में आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट है, 6 PM पे आर्ट एंड कल्चर का क्या है MCQ है, एक स्पेशल सेशन है आर्ट एंड कल्चर का क्या है यहाँ पर। भाई प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक बार मुझे क्या करना था आपको गवर्नर जनरल, और अब आप इससे में से क्या करिएगा डिसाइड करिएगा कि जो गवर्नर जनरल आपने देखा है, मैंने आपसे क्या कहा सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट आप उसको क्या करेंगे पढ़ेंगे, है ना, जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप क्या करेंगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, देखिए आप सबका भी धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ बने रहें इस क्लास में, आप सब जुड़े रहें। 6 PM में आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, ठीक है, और उसके अलावा रात में 10 बजे फिर MCQ जो उड़ान बैच चलता है हमारा, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या है आपको मेरा लिंक है, और उस लिंक से आप मेरे ऐप पर आ जाइए, वहाँ पर अन अकेडमी का ऐप को जो है डाउनलोड करें और वहाँ आपको मैं मिल जाऊँगी, तो आप लोग वहाँ जुड़िए मुझसे, और वहाँ जुड़ेंगे तो आप लोगों का क्या होगा कि एक तरह से कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा और भी ज़्यादा बेहतर सेशन होते हैं वहाँ पे। आप सिर्फ देख रही हैं, बोलने वाला का क्या हो रहा होगा है ना। अरे बाबा एक चीज़ बताइए, UPSC के एस्पिरेंट हैं आप लोग, अब ऐसी बच्चों वाली बात करते हैं कि मैम मैडम अभी के अभी टेस्ट दीजिए, आप खुद देख रहे हैं कि 2 बजे से ये क्लास चल रही है, ये पूरा टॉपिक कवर करने में टाइम लगा और एक एक बातें मैंने आपको बता दी, तो थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा कॉपरेट किया कीजिए कभी कभी टीचर को। हाँ कोई नहीं, अगर बाउंस किया भी तो कोई बात नहीं, सुनिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ, लास्ट वाला बाउंस नहीं, लास्ट वाला आप लोग को पढ़ा हुआ है, मेनली बात ये है लास्ट आप लोग वेवल के बारे में जान रहे हैं, लिथगो के बारे में जान रहे हैं, लॉर्ड एरविन के बारे में जान रहे हैं, लास्ट आप लोग जानते हैं, लास्ट वाले में मैं आपको क्लियर बता रही हूँ माउंटबेटन प्लान आप लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1905 के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो सारे वायसराय लगभग आप लोग को याद रहते हैं, लगभग लगभग टफ जो था वो ज़्यादा थोड़ा टफ था, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा क्या मैराथन मतलब समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ मैराथन में थोड़ा तेज़ भी हो सकता है, 3 घंटे अब मान लीजिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 3 घंटे की क्लास थी। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा क्या है कि अब प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी मेरी क्लास में अब एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, नीरज मैं ये कह रही थी कि जो चूंकि देखिए मैराथन में मैंने क्या किया कि आखिर जो भी आपने अब तक पढ़ा होगा ना, एटलीस्ट जो भी आप 1905 के बाद ही पढ़ रहे होंगे वो भी आपको कम से कम आँख से नज़र से गुजर गया होगा। हाँ अब मैं नहीं वो भी आप लोग की नज़र से गुजर चुका होगा, और वो मुझे लगता है कि भाई आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई, मुझे एक चीज़ और बता दीजिएगा आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ जी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई है, आप लोगों के एनर्जी देख करके मैं नहीं थक रही हूँ, अच्छी बात तो ये है। अब इतना चलिए बाद में वो सारी चीज़ें डिस्कशन हो जाएंगी, मुझे एक बात बताइए उससे नहीं मतलब है, लास्ट देखिए है कि समय सीमित है ना, दिक्कत ये है इससे ज़्यादा भी मैं नहीं बैठा सकती ना आपको, अदरवाइज ये 7 घंटे का मैराथन हो सकता था, ठीक है। देखा जाए तो हाँ आप सब एक बात बताइए आज की क्लास से खुश हैं, मुझे एक बात थोड़ा बता दीजिए ताकि मेरी भी जो मेहनत है वो मुझे लगे कि साकार हुई कुछ, ये जो मैराथन है तो अगली बार ना मैं कुछ और अच्छे, चूँकि ये गवर्नर जनरल वायसराय थे भी बहुत ज़्यादा,
अगली बार कोई एक टॉपिक रहेगा आपका अच्छा सा, और उस टॉपिक पे ही पूरा का पूरा क्या चलेगा, क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है? हाँ, एक बार बता दीजिए कैसे देख पाऊंगी भाई मैं, आज क्लास मैराथन चल रही है आज। आप लोग देखिए, जो भी मेरे स्टूडेंट है प्लीज़ इस बात से नाराज़ मत होइएगा कि मैम आप देख नहीं रही, मैं जो देखने का मौका ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे देखूँ, आप खुद बताइए। आज पढ़ाना भी आपको ज़्यादा था तो आज थोड़ा सा समस्या था, ठीक है ना, थोड़ा सा समस्या था। चलिए फिर 6 बजे मिलना है, आप मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए। अब मिलते हैं कल 3 बजे, आप लोगों की क्लास है 12 बजे, आप लोगों की क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर की, देन हम लोग मिलते हैं उसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब अच्छा करें, मैं यही चाहती हूँ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टेलीग्राम आईडी जिनको नहीं मिल रहा है, मैं बात कर लेती हूँ उसको, या तो चेंज कर दूंगी, t.me शाजिया मैम, इस पर आप लोग जुड़े आकर के मुझसे।